हमारी ब्राह्मण समाज में बहुत इज्जत है। अगर तूने दूसरी जाति के किसी लड़के से लव मैरिज की तो हमारे समाज की बाकी लड़कियां भी ऐसा ही करने लगेंगी। इससे हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लोगों को हमारे परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं है। ये बताने का जरूरत नहीं है। क्या यही दिन देखने के वास्ते हम तुमको गाँव से शहर लाया? अगर हमको मालूम होता तो हम तुमको कभी नहीं लाता। तुम बार बार एक ही बात क्यों बोलता है भाई साहब? आप भी तो कुछ बोलिए ना। अरे इसके नाम पे जो लाखों करोड़ों का दौलत है ना दादा, उसमें से इसको एक रुपया भी नहीं देना। अगर अब भी तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो तो याद रखना कि आपस में हमारा फिर कोई संबंध नहीं बचेगा, ये इनका कहना है। और अपने ब्राह्मण समाज का मुखिया होने के नाते मेरा भी बिल्कुल यही फैसला होगा। ऐसी बातें बोली नहीं जाती। हमारे परिवार की इस समाज में बहुत इज्जत है। तुम्हारे शादी के फैसले से हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप तुम अपना डिसीजन बोलो। मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए। मुझे ये भी पता है कि आप मुझे समाज से अपने आप से दूर कर देंगे, लेकिन मैं फीलिक्स से प्यार करती हूँ। तुम्हारी डैड क्या कहते फीलिक्स? तुम्हें क्या लगता है ये बात सुन के मेरे डैड खुश हुए होंगे? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे फौरन मिलने को बुलाया है। मैं तुम्हें लीव लेटर दे दूंगा, ऑफिस में दे देना। तुम कब जा रहे हो? कल की फ्लाइट है, चलोगी तुम? नहीं, मुझे डर लगता है। हवाई जहाज बहुत ऊंचा उड़ता है ना, और फिर छुट्टी भी नहीं मिलेगी। अभी अभी जॉब मिली, इंटर्नशिप कर रही हूँ। जॉब से निकाल दिया तो? हाँ, बहाने में दम है। सर छुपाने के लिए तो जॉब कर रही हो। जॉब गया तो रहने की जगह भी चली जाएगी, और वैसे भी तुम बेघर हो। अगर तुम साथ हो फीलिक्स तो कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं। तुम्हारे डैड हाँ कर देते तो क्या फिक्र थी? डैडी हमको गोनी भर कर माल देते और हमारा आला भला हो जाता। लेकिन तुम्हारे डैडी ने खेल खराब ही कर दिया। और क्या खबर है आज की? क्या हो सकती है? वही रिश्वतखोरी चोरी डकैती। थैंक्स। पीना, तुमसे कोई मिलने आया है? कौन होगा? पापा। बेटे, मैं किसी को बताए बगैर आया हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। समाज का मुखिया होने के नाते मुझे तुम्हें बेदखल करना पड़ा, वरना मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं समझती हूँ पापा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये लो, इसे रख लो। इसमें पूरे 30 लाख रुपयों का ड्राफ्ट है। तुम अपने लिए एक घर खरीदना चाहती थी ना, अब खरीद लेना। मेरी खुशी इसी में है। वीना, तुम भी चलोगी? कहाँ? स्पेन की राजकुमारी की ज्वेलरी एग्जीबिशन में।
एशिया में ये पहली बार हो रहा है, वहाँ सिक्योरिटी भी टाइट होगी। मगर स्पेन की राजकुमारी की ज्वेलरी को देखकर हमें वहाँ क्या मिलेगा? तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे बड़ा शौक है इन चीजों का। वैसे तुमसे मिलने कौन आया था? पापा आए थे, घर वालों को बताए बिना मुझे पैसे देकर गए। पैसे दिए? मैंने कभी उन्हें चिट्ठी में लिखा था कि मेरा एक सपना है कि मैं एक छोटा सा घर बनाऊं, जिसमें मैं, फीलिक्स और हमारे बच्चे हों। उसी सपने को पूरा करने के लिए वो आज मुझे आशीर्वाद देने आए थे। पता है मेरे पिता संगीत की बहुत बड़ी हस्ती है, पद्मश्री और न जाने कितने अवार्ड्स मिले हैं, पर दिल से वो एक छोटे से बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक हॉल, किचन, दो बेडरूम्स और एक पूजा का कमरा, बस इतना ही चाहिए। और हाँ, फीलिक्स चाहता है कि बेडरूम से हमें सी व्यू मिले। जैसा तुम मुझे बता रही हो ना, बिल्कुल उसका जेरोक्स कॉपी है। हम कल ही चलकर उसको टोकन दे देंगे, ठीक है? मैडम, बॉस बुला रहे हैं। ओके, अच्छा, बाय बाय, मैं मिलती हूँ। मैं कम इन सर? यस। क्या फीलिक्स ने जॉब छोड़ने के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? नहीं तो? पर अचानक ये क्या हुआ? ये देखो, उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा। कहाँ से सर? बैंगलोर के किसी होटल से उसने फैक्स किया है। इसमें उसका नंबर है, जरा बात तो करो। और जब तुम फीलिक्स से बात करने के लिए बैंगलोर फोन करती हो तो वो तुम्हारा फोन उठाता है और तुम्हारी आवाज़ सुनते ही फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या ये वही फीलिक्स है जो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरसता था? उसे गए एक हफ्ता हो गया पर उसने तुम्हें फोन तक नहीं किया। उसके रवैये से एक बात समझ में आती है कि उसने कभी तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था। ऐसा मत कहो, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसके लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया है। शायद कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? एक बात मैं तुम्हें और बता दूँ, तुम्हें उससे मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो बैंगलोर छोड़कर कहीं और चला जाए और तुम उसे ढूंढी ना पाओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर तुम फौरन जाकर उसे नहीं मिली तो शायद तुम उसे खो दो। लेकिन फौरन कैसे? अब ये मत कहना कि तुम्हें फ्लाइट में डर लगता है। तुम्हें फ्लाइट में ही जाना होगा। अगर ट्रेन का टिकट लोगी तो समझो तुम्हारे हाथ से गया। ओहो, इससे क्या पूछूं? एक्सक्यूज मी, इस एयरलाइंस की टिकट? होता है, कभी कभी इंसान गिर जाता है। आप भी गिरते हो ना? No problem, it's my pleasure. अरे इतना सारा सामान, ये बताओ कि तुम पुली हो या पैसेंजर इडियट फूल? पागल बेवकूफ है? पागल तो तू है जो सारा सामान रास्ते पर रखकर पब्लिक को गिरा रही है। पागल कहेगी? तुम देख कर नहीं चल सकते थे? ये पब्लिक प्लेस है। आंखें या बटन? अकल के अंधे। क्या बोली तू? फिर से बोल के दिखा। अकल के अंधे। एक बार और। अकल के अंधे। अब अगर बोली ना, अकल के अंधे। तेरी की हिम्मत बैंगन जैसी आंखों वाले। हटना, रास्ता नहीं जाना। सच कुछ कर जाने का रास्ता दे यार, क्या कर रहा है? चल हट। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लड़कियां च्युइंग गम पीछे ही नहीं छोड़ती? हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम, हरे हरे, हरे। अरे काशी नहाने जा रही हो बेटी, क्या हुआ? घर का सारा बोरिया बिस्तर लेकर जा रही है, लगता है पड़ोसी के घर में डाका डाला है इसने। अब कुछ भी बोले ना तो देखना। Would you like to have some chocolates? Thank you. You, ma'am? Naughty.
बहुत शरारत करती है। थैंक यू। यू मैम। ए क्या कर रही हो? गंगा जल है ये। हे भगवान, अगर पायलट टपक जाता है या प्लेन बीच रास्ते में ही गिर जाता है तो आप हमारी रक्षा कीजिएगा, ठीक उसी तरह जैसे आप आज तक करते आए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बड़ी इडियट, जरा भी अकल नहीं है, शर्म नहीं आती ऐसे हरकत करते हुए? अपने माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? पैसेंजर्स काइंडली बी सीटेड प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वो मैं एक शादी में जा रहा हूँ। किसकी शादी? सर वो मैं दोस्त की माँ की छोटी बहन की शादी। कौन सा दोस्त? सर मेरे दोस्त हैसे की तरह फैले हुए हैं। अब आपको किसके बारे में बताऊँ? दोस्त का नाम? दोस्त ने इन्हें गोरा। कौन गोरा स्वामी? वो काला ही है पर उसका नाम है गोरा स्वामी। कोई क्या कर सकता है ना। बहुत अच्छी बात है कि तुम शादी में जा रहे हो, लगता है धंधा जोरों में है। पुलिस वालों की एक प्रॉब्लम होती है सर, आप लोग इतने शक्की क्यों होते हैं सर? पता चल जाएगा, अब बैठ जाओ। जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। Excuse me. Thank you. Flight IC 932 आधा घंटा और देरी से आने की संभावना है। फ्लाइट और लेट हो गई। बैलगाड़ी से आते तो जल्दी पहुंच जाते। असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको साहब बुला रहे हैं। उस बैग वाली लड़की का पीछा कर। केले बैग वाली लड़की, इसका पीछा? बैग, सुनिए बैग वाली लड़की कौन है? सुनिए कहिए सर। मैंने कहा था ना मुझे मिलके जाना। वो सर नीचे उतरती, मैंने देखा आप किसी से बात कर रहे थे, मैंने सोचा आपने इरादा बदल दिया। क्या देखो? कुछ नहीं है सर। इसको भी चेक करो। ध्यान से, बहुत गुदगुदी होती है। कुछ नहीं मिला ना? अब नीचे क्या तलाश रहे हो? ठीक है, दे दो इसे। हाँ, चल निकल। थैंक यू सर। पुलिस से तेरे को क्यों रोका? हाँ, अरे उनका काम ही है तलाशी करना। मतलब वो हार साफ हो गया? अबे कदे थी रे, हार और भैंस गए पानी में। पानी में नहीं, किनारे ही है। वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की है? जिसका पीछा करने के लिए कहा था। अबे मैं किसका पीछा करता? मुझे इशारों की भाषा समझ में नहीं आती। अगली बार नाम पता एड्रेस खुल के बताना। कदे पुलिस के डर से वो नेकलेस लाल साड़ी वाले के बैग में ही छुपा दिया था। लाल साड़ी वाली तो काली पीली भी निकल गई। वो निकल गई, टैक्सी पकड़ कर चली गई। चल काउंटर पर पूछते हैं, चल जल्दी चल। अगली बार मुझसे बोलना। Excuse me, Mr. Felix किस रूम में ठहरे? One minute. वो रूम नंबर 227 में है। मेरी बात करा देंगे? One minute. Sorry ma'am, वो D&D पर हैं। क्या? Do not disturb. पर मुझे उनसे बात करनी आप है। आप नहीं कर सकते। अरे आप फोन तो मिलाइए। It's okay, but now it's not possible, ma'am. क्या चाहिए? रूम नंबर 227 में मिस्टर फेलिक्स ठहरे, मुझे उनसे बात करनी है। और ये कह रहे कि नहीं हो सकती? हो सकता है शायद वो अवेलेबल ना हो या फिर नहा रहे हो। आप इधर बैठिए, वो जैसे ही फ्री होंगे आपकी बात करवा देंगे। ये कैसा सिस्टम है? जैसा भी है हमारा है, आपके लिए ये नहीं बदल सकता। वहाँ वेट कीजिए। हाय, आप किसी से मिलने आई हैं? Excuse me. Yes? मैं बस एक मिनट में, आप मेरे बैग का ख्याल रखेंगे? ओहो अच्छा, हाँ रख लेंगी। अरे इसे कहाँ ले जा रही है? इसे भी रख लीजिए, मैं संभाल लूंगा। अरे ये तो मेरा काम है। थैंक्स। आप आराम से होकर आइए।
तू? हाँ बाद में मिलता हूँ। अरे मेरा सामान कहाँ गया? एक भी बैग नहीं है, एक भी रखा। अब कहाँ ढूंढूँ? अब मैं क्या करूँ? हेलो, अब क्या प्रॉब्लम? मेरा सामान खो गया है। अरे आपको वो बैग खो गया? कितने केयरलेस, एक बैग नहीं संभाल सकती। बैग मेरा खोया, तुम क्यों पगला रहे हो? मेरा बैग खोया या तुम्हारा बैग तो बैग ही है ना, और बैग क्या खोने के लिए होता है आप ही बताइए मुझे। रुके, रुके। आप इन्हें जानती? मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। ये एयरपोर्ट से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे तंग कर रहा है। जरूर इसी ने बैग चुराया होगा। ए शरीफ आदमी हूँ मैं। आप यहाँ किससे मिलने आए? मैं यहाँ जिससे मिलने आया हूँ वो कौन है? वो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है। उसका नाम क्या है? अशोक। अशोक कौन? अशोक। अशोक दारूवाल। दारू का धंधा करता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका सरनेम दारूवाल है, लेकिन वो प्यार करता है। प्यार? काम क्या करता है वो? प्यार पास। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, प्यार नहीं है, व्यापार की बात कर रहा हूँ। वो प्यारे प्यारे बेल्ट बनाता है, उसका व्यापार, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कॉल द पुलिस। इस लड़की के कंप्लेंट के मुताबिक बंबई से लेकर यहाँ तक तुम इसका पीछा कर रहे हो। यस सर। एक्चुअली सर, ये लड़की मेरे आगे आगे चल रही थी और पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। ये भी तो मतलब हो सकता है कि मेरा आगा कर रही थी। आप कंप्लेंट लिखिए, ये लड़की बंबई से लेकर यहाँ तक मेरे आगे आगे चल रही थी। आप बताइए इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? क्या तुमने इसका बैग लिया? मैंने नहीं लिया सर, इसकी बैग में मूंगफली के सिवा कुछ नहीं होगा सर। जरा इसे देखिए सर, कहाँ ये और कहाँ मैं इतना घिरा हुआ भी नहीं हूँ, मेरा कोई स्टैंडर्ड है ना सर? मेरा यकीन मानिए सर, इन 2 सालों में मैंने एक भी हेरा फेरी नहीं, आपकी कसम। जाओ। ओके, थैंक यू सर। ए लड़की, अपनी कंप्लेंट लिखवा दो और जाओ यहाँ से। ए, इसे यहाँ से ले जाओ। आओ मेरे साथ। सर, शायद ट्रीटमेंट करने पे कुछ बोल दे। नहीं नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं, वक्त आने पे वो सच उगल देगा। क्या तुम्हें पता है, एक बार इसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। खेलते खेलते मेरा बेटा अलमारी में छुप गया था और अलमारी लॉक हो गई। अगर वो सही वक्त पर नहीं खुलती तो उसका दम घुट सकता था और उसकी मौत भी हो सकती थी। वो कोई मामूली लॉक नहीं, एक ब्रांडेड लॉक था। लोगों का कहना था कि कंपनी का वर्कर ही उस लॉक को खोल सकता है। ठीक वैसा ही लॉक स्पेन की राजकुमारी के एग्जीबिशन सेफ में भी था, इसलिए मुझे उस लड़के पर शक है। हम उसे पूछताछ तो कर सकते हैं। हमारे पास क्या प्रूफ है? यही कि उसने उस लड़की का पीछा बैंगलोर से लेकर मुंबई तक किया। ये सबूत हमारे लिए काफी नहीं है। उस नेकलेस की चोरी का राज अब तक सिर्फ पुलिस के पास है और ये राज ही रहेगा। और 20 दिन के बाद वो ज्वेलरी हमें स्पेन वापस भेजनी थी, इसलिए हमें वो नेकलेस को ढूंढना होगा और इस काम में हमें नाकाम नहीं होना। ये एक ऑर्डर है, याद रहे, हमें उस लड़के पर हर वक्त नजर रखनी होगी। अगर सांप या पुलिस में से कुछ दिख जाए तो सबसे पहले पुलिस को मारो। हेलो हेलो हेलो, यही हूँ मैं। तुमने पुलिस को ये तो कह दिया ना कि तुम पर नजर रखने के लिए किसी को लगा दें? किस लिए? अरे तुम्हारी हिफाजत के लिए। अच्छा, होटल वाले आदमी ने ब्राउन सूट और ब्राउन पैंट पहनी थी। हाँ, तुम उसे जानते हो? छोड़ो, बैग चाहिए तो मुझे फॉलो करो। 50,000 में मर्सिडीज बेंच चाहिए तेरे को? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे दाएं एड़ी का काम है। यही है ना? हाँ, जल्दी बोल इस लड़की का माल कहाँ? कौन सा माल, कैसा माल, मैं कुछ नहीं जानता। अभी याद आ जाएगा। पता कहाँ है? तेरे को तेरा हिस्सा देता हूँ। हिस्सा देगा? पूरा निकाल, चल बिना 3-5 के सारा माल निकाल। मुझे सब कुछ है कि नहीं? अरे तुम क्या देखोगे, बैग मेरा है, मुझे देखने दो। एक बैग के बारे में तो मैं भी जानता हूँ। अरे मेरे पैसे, उसमें चेन भी थी, वो भी नहीं मिल रही। मेरा भी था इसमें। अबे माल का है, बता साले। छमिया बार पर जाना था इसलिए उसे बेच दिया। अबे उस बैग में और क्या क्या मिला तुझे? किसना की कसम, कुछ नहीं मिला। अबे तेरी तो तुम फुदा फुदा के मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं ट्रेन के नीचे मरने जाने चलोगे? नहीं, मेरा मरने का मूड नहीं है। तुमने अब तक जो मेरा साथ निभाया उसके लिए ये टिप रख। अपनी तरह भिखारी समझा है क्या, बेवकूफ? अरे बेवकूफ है? पैसे नहीं चाहिए मत ले, साला भलाई का जमाना ही नहीं है। ए, ये बजा अच्छा रहे, बस गाने की कमी है। साथ में बैठ जा, मेहनत और कमाई दोनों हो जाएगी। मेरी बेटी मेघामाला आज सुबह से गायब है। कुछ दिनों से एक काला गेंडे जैसा आदमी मेरे घर के आसपास घूम रहा था। मुझे पूरा शक है कि वो उसी के साथ भाग गई होगी। उससे कह देना अगर मेरे हाथ चढ़ गया तो उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दूंगा और उसकी राख से मंजन करूंगा। मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। चलो रे,
अबे अपने ही घर में छिप कर बैठा? छुपू नहीं तो क्या करूं, इसका बाप मुझे पूरे शहर में रामपुरी लेकर ढूंढ रहा है। वो इसकी शादी कहीं और कराना चाहता है। माला तू प्लीज जा यहाँ से, नहीं तो तेरा बाप हमारी चटनी बना के फ्री में खाने के साथ खा जाएगा। अबे जाना। पता नहीं सूर का दिल मुझ जैसे लंगूर पे कैसे आ गया। अब बोल, हार मिला कि नहीं? अपना बुरा वक्त गया दोस्त। देख, नेकलेस अब हमारे कब्जे में है, तो क्यों ना इस सिचुएशन पर एक गाना हो जाए। रम पम पो, अयो गिर गया। अबे क्या हुआ? नेकलेस कहीं गिर गया है? क्या गिर गया? अरे पता नहीं, अरे देख कब खुल गया यार। बाप रे, देखा तो नहीं क्या तू? अरे ऊपर वाले, ये नेकलेस कहाँ गायब हो गया? अब तू जरूर बताएगा। डाल डाल इसकी आंखों में डाल। माफ कर दे यार, मैंने सब कुछ सच कहा है। उसमें सिर्फ दो चेने थे और कुछ नहीं था, ना अंदर ना बाहर। धंधे की कसम खा कर कहता हूँ यार। भाई हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, छोड़ देना यार तेरे को चोरी की कसम। साला कसम देके इमोशनल कर दिया। मुझे लगता है कि वो नेकलेस लड़की के बैग में ही है। लेकिन उसके बैग में क्यों रह गया? अबे साइलेंट पिक्चर के हीरो की तरह फुटेज मत खा, चल ढूंढ दे। मिस्टर फेलिक्स तो यहाँ से चले। आपने इंतजार करने को कहा और अब कह रहे कि चेकअप करके, ये क्या तरीका है? तो हम क्या कर सकते हैं आपके इंतजार में? हम उन्हें रोक कर रखते क्या? वो कहाँ गए ये तो बता दीजिए प्लीज। हमारी बॉस की बेटी के साथ मिस्टर फेलिक्स की मंगनी हो चुकी है और अब वो शादी के लिए प्रीतमपुरा गए हैं। वो फ्लाइट से गए हैं, अब तक तो पहुँच भी गए। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा मारा ना। अरे आप लोगों को मारना है तो मारो, लेकिन मजे तो बता दो। बैलगाड़ी समझ के रखा है क्या? हे भगवान, मेरे धंधे को किसकी नजर लग गई है? उन दोनों ने तुझे क्यों मारा? क्या बताऊं सर, उस बैग के अंदर मूर्ति थी, मूर्ति के अंदर नेकलेस था। वो दोनों मेरे को कुत्ते की तरह धो धो कर मार रहे थे, पूछ रहे थे कि नेकलेस किधर गया। मैंने उनको बोला मेरे को नहीं मालूम है किधर है, लेकिन वो मेरे को धोते गए। ओफो क्या मुसीबत है, ये लड़की यहाँ किसी पागल खाने से भाग कर आई। क्यों, क्या हुआ उसे? पहले तो रोने लगी, फिर चिल्लाई, फिर बेहोश हो गई। उसकी वजह से हमारा ओवर टाइम हो गया। वो बोल क्या रही थी? उसने हमारी बोलती बंद कर दी। बोलती बंद कर दी? हमने तो भेज दिया उसे। कहाँ भेजा? अरे जल्दी बता। मैसूर के पास प्रीतमपुर। मगर भेजा कैसे? हमने अपनी प्राइवेट टैक्सी से उसे स्टेशन रवाना कर दिया। उसकी 5:30 बजे की ट्रेन है। अरे 5 तो यही बज गए, जल्दी चल वरना 12 बजे होंगे। ये उल्टा हो गया। पकड़ो उसे। अरे किसका? चल 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 चल। ओ रहा, उसने मेरी बेटी को भगाया है। भागने न पाए, पकड़ो उसे। दोस्त की शादी में जा रहे थे ना? नेकलेस निकाल। ले क्या तो? रुक, पकड़ो उसे। अरे कहीं ध्यान देना।
टिकट प्लीज। टिकट तो नहीं है। काहे को? मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर तुम गाड़ी के अंदर चढ़ी क्यों? इंडियन रेलवे क्या तुम्हारे पापा की है? क्या बात है सर, क्या कमाल का झुक मारा आपने। बैठी तो ऐसी जैसे खुद की बोगी है। कहाँ तक जाओगी? प्रीतमपुरा। प्रीतमपुरा? हाँ। ये गाड़ी प्रीतमपुरा नहीं जाती, तुम्हें साजन नगर उतर कर वहाँ से बस करनी होगी। कुल मिलाकर तुम्हें 1595 रुपए और 50 पैसे देने होंगे। बोलो तो टिकट बनाऊं, नहीं है तो उतरना पड़ेगा। मैं नहीं उतरूंगी, मुझे प्रीतमपुरा जाना है। ऐसे ही लोगों की वजह से रेलवे नुकसान में जा रहा है सर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा बताओ। और अगर आपने फाइन नहीं लिया तो आप कहां जाएंगे आपको पता है? नहीं। पुलिस को बुलाइए। हाँ जरूर बुलाऊंगा। सर आपका टिकट आज तक कभी नहीं लिया सर। तू इतना भाषण दे रहा था, तेरे पास भी टिकट नहीं है? 6 महीने के लिए तुझे अंदर करवा दूंगा। जेल में मैं जाऊंगा या तू, ये तू मुझे बता। ये कंफ्यूज मत कर, बिना टिकट तू है तू अंदर जाएगा। जेल का मूड नहीं है। चलिए 2 टिकट बना दीजिए। 2 टिकट क्यों? एक मेरा और एक इस हसीना का। ये तुम्हारी कौन है? ये रिश्ते में मेरी दादी लगती है। चल अब 2 टिकट बना जल्दी। कहाँ का? जहाँ वो जा रही है वहीं का। पैसा है ना? एफिडेविट दू तब बनाएगा क्या? एक शरीफ आदमी को ट्रेन में इस तरह से बदनाम किया जाए अच्छी बात नहीं है। बचे हुए पैसे टिप समझ के रख लेना। ज्यादा बच गए। पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था। 1595 रुपए और 50 पैसे की चपत लग गई, वो भी कान के नीचे। अगर इतने रुपए के अंडे खरीदता तो पता नहीं कितने चूजे निकलते। अगर इतने ही पैसे के केले खरीदता तो गांव पहुंचते पहुंचते कितने ही केले खा जाता है कि नहीं भाई? हाँ, आखिर इतनी बड़ी रकम मैंने इसके पीछे क्यों लगाई? क्या ये मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, यहाँ तक कि मेरी पड़ोसन या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं है? फिर मैंने इतने पैसे इसके पीछे क्यों लगाए? अब तुम ही बताओ, इंसानियत भी आखिर कोई चीज होती है कि नहीं? इंसानियत भी चीज होती है ना, आप भी बताइए। ऐसा नहीं है कि ये एक लड़की है इसलिए मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए। आपके पास टिकट नहीं होता तो मैं आपके लिए भी खर्च करता। क्यों खर्च करता? इंसानियत। मुंडी लाओगे या कुछ बोलोगे? अरे बाबा हमार कथा सुनो। क्या बोला? को हिंदी नहीं आता बाबा। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि दुनिया भी मुझे ठीक ही समझे। अब मैं गूंगा बन जाता हूँ। थैंक्स। गाली दे रही हो? भलाई का मतलब बुराई से चुका रही हो? नहीं, मैं तुम्हें थैंक्स बोल रही थी। ओह, अब बत्ती जली। मैंने जो पैसे दिए उसके बदले थैंक्स कह के लाफा मार रही है। ओह, थैंक्स का मतलब तू मुझे पैसे नहीं देगी? कैसा जमाना आ गया, बस थैंक्स कह के काम चल जाता है ना बाबा जी? नहीं नहीं, आप तो रहे। 1595 रुपए और 50 पैसे में तो एक अच्छी खासी जीन्स और शर्ट आ जाती। सुनो, बस अब बहुत हो गया। हाँ, 1500 रुपए खर्च किए, 1500 रुपए खर्च किए, एहसान नहीं किया? अपना एड्रेस दो। अरे मेरा कोई एड्रेस नहीं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन और 1500 के लिए रो रहा है? कुछ भी झूठने का नाटक, यही सुनना बाकी रह गया था। अरे इतने पैसों में तो मेरे पूरे महीने का राशन आ जाता। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, रहने दीजिए। सुनिए, तुम पर जो खर्चा हुआ उसका दुख नहीं? हाथ पैर सलामत रहेंगे तो फिर कमा लूंगा। वैसे मैं ये पूछ रहा था कि आप प्रीतमपुरा क्यों जा रही हैं? तुम पुलिस को कुछ बता रही थी ना? अब आप ही बताइए ये पुलिस वाले। अरे रहने दीजिए। हाँ बताइए, पुलिस वाले को बताते वक्त शर्म नहीं आई, लेकिन अभी जिसने आप पर खर्च किया उसे बताते हुए आपको शर्म आ रही है? तू तो रहने दे, बार बार हाथ जोड़ता है, क्या मैं तुझे भगवान लग रहा हूँ? भाग शैतान के। सारा दिमाग का भाजी पाला कर दिया। मैं वहाँ किसी शादी में जा रही हूँ। किसकी शादी है? मेरा कोई अपना। अपने से मतलब कोई रिश्तेदार या जिससे मैं प्यार करती हूँ? क्या तुम्हें टोपी पहना के किसी और से शादी कर रहा है? मुझे तो टोपी नहीं पहना रही हूँ।
मैंने जो तुम पर पैसे लगाए हैं इसलिए रो रही हो तो प्लीज मत रो। समझूंगा कि किसी अनाथालय में दान कर दिए। वैसे माँ कहती थी दान से पाप कम होते हैं और मेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तुम रोना बंद कर। मैं तुम्हारे पैसों के लिए नहीं रो रही थी, मैं तो अपनी जिंदगी पे रो रही थी। मुझे फेलिक्स की बेवफाई पे रोना आ रहा था क्योंकि असल में उसने मुझसे कभी कभी सच्चा प्यार नहीं किया। ट्रेन तो सही में जा रही है। तो यहाँ हवा खाने उतरी क्यों थी? मुझे प्यास लगी थी। अरे इतनी जल्दी कैसे लग गई? पानी नहीं था मेरे पास। अरे कम से कम अपना सामान तो ट्रेन में छोड़ देती। और कुछ चोरी कर लेता तो? लोगों के पास काम धंधा नहीं है जो खाम खा तेरा सामान चुराएंगे। तुमसे किसने कहा था ट्रेन से कूदने को? थैंक्स बोलने की बजाय तुमसे बहस कर रही है। मेरी मत मारी गई थी जो तेरी मदद करने के लिए मैं जैकी चैन की तरह ट्रेन से कूद गया। अगर ट्रेन के नीचे आ जाता तो? सॉरी। अंग्रेज चले गए पर औलाद छोड़ गए। आज होते तो देता कान के नीचे। मुझे भी क्या हो गया, एक बेवकूफ की गुलामी कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अगली ट्रेन कब आएगी? बस आती ही होगी। तो हम उसे जा सकते हैं? और वो आप जैसे इंसानों को नहीं गोबर को लेके जाती है। जी। तो सर, प्रीतम पूरा जाने के लिए अगली ट्रेन कब है? आज ही के दिन अगले गुरुवार। अब हम क्या करेंगे? अबे मैं तो तुझे जानता हूँ, तू गोपी है ना? गोपी कह के मुझे टोपी मत पहना। अब अगले गुरुवार तक हम लोग क्या करेंगे? ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। तुम दौड़ लगाती रहना, मैं कूदने की प्रैक्टिस करूंगा। कूदूंगा ऐसे ही। कूदो। पर तुम पुरुष हो ना? पुरुष नहीं, मैं महापुरुष हूँ। अपना भविष्य जानना है। पुरुष के बेटे हो ना? मैं धरती पुत्र हूँ, जाना अपना काम कर जा। मुझे तो बहुत भूख भी लगी, क्या मिलेगा खाने को? गोबर की गाड़ी आने वाली है, दिल खोल कर पेट भर ले। गोबर जैसी तो तुम्हारी शक्ल है। सर सर, यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए मिलेगा? यहाँ तो कुछ नहीं पर 10 किलोमीटर में कुछ मिल जाएगा। इस मछली को भी इसी स्टेशन पर पानी पीने होता। चलो ना, मुझे कुछ खिलाओ ना। ना चलो चलो, यहाँ के होटलों में मेरा खाता चलता है ना। चलो चलो आओ। अरे ये तो गोपाल कृष्ण है। अब मेरी बत्ती चली। अरे गोपाल कृष्ण,
यहीं पार्क कर दो, हम लोग आते हैं। खाने के लिए क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ चिकन फ्राइड राइस, मिल्क शेक, नूडल्स मिल पाएगा। कहो तो ऑर्डर करूँ? मैं वेजिटेरियन हूँ। जो मिलता है वही खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन, मेरे पास पैसे नहीं है। जेब में एक रुपया नहीं, चली ताजमहल खरीदी। जो भी बासी खाना है ना, गर्म करके इसे दे दे, इसके पास पैसे नहीं। अरे काम उड़ाल रहा है, अगर तेरी जुल्फों जैसी दाढ़ी जल गई ना तो दुकान जलते देर नहीं लगेगी। पूरा मूड खराब कर दिया। अबे गरम पानी बोला था, खोलता हुआ पानी नहीं। अबे नारियल, नारियल पानी डाल, नारियल पानी डाल। मैंने तुझसे कहा था ना इस गांव में पैर मत रखना। मैं यहाँ घर बसाने के लिए नहीं आया। वो क्या यहाँ नारियल पानी से हाथ धोने आया है? उसे मारा था वो लिखा? हाँ हाँ, मगर मार क्यों रहा था? हम लड़ाई कर रहे थे। पर लड़ाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम दोनों गुस्से में थे। पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मुझे उससे नफरत है। पर उससे नफरत करके, गुस्सा करके तुम उससे लड़ क्यों रहे थे? कौन है वो? वो मेरी माँ का बड़ा बेटा है। मतलब तुम्हारा बड़ा भाई? तुमने अपने भाई को मारा? हाँ मैंने उसे मारा, क्योंकि हमारे घर के पास ही दारा सिंह का बंगला था, इसीलिए मैंने उसे मारा। हाँ तू तो 10 मिनट में पिक्चर देखना चाहती है। कॉपी चलो भागो, वो औरत हमें मारने आ रही है। चलो चलो गोपी, गोपी कौन है? ये गोपी कौन है? तुम्हारा असली नाम गोपी है क्या? अब कोई जवाब नहीं दोगे? हाँ, इसी नाम से बदनाम। अच्छा काम किया होता तो बदनाम क्यों नहीं? गोपी छोटा भाई, समझ के मुझ पर तरस नहीं खाया। अब मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा रिटर्न टिकट है, मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ? जहन्नुम में जा रहा हूँ, और कहाँ। तो क्या तुम यहाँ इंदू की शादी के लिए नहीं आए? इंदू की शादी हो रही है? हाँ, तुम्हारे सारे भाई आए हैं। मुझे तो यही लगा कि तुम इंदू की शादी के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें यहाँ देखकर ऐसा लगा कि भगवान ने इंदू की प्रार्थना सुन ली और तुम आ गए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इस गांव में कभी भी नहीं आता अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं होती तो। ये कौन है? लड़की है और कौन, इस मनहूस जगह पर आने का मेरा दिल ही नहीं। ये गाँव तेरे लिए मनहूस कैसे हो गया? हमारी वजह से। यहाँ आकर भी शादी में शामिल नहीं होना चाहता तो तू चला जा। अह
अब गाड़ी दो दिन बाद ही मिलेगी। यहाँ रुकने से अच्छा है हम घर चले जाते हैं। चलो। कौन है वो? ड्रैकुला है, हमारा खून पीने के लिए घर बुला रही है। जब देखो सब कुछ जाना चाहती है। यूए में सारे के सारे पैसे हारने के बाद इसे दोबारा यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई क्या? जाते वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना कि जो पैसे मैं जुए में हार गया हूँ वो सब वापस लेके आऊँ। बस करो, तुम लोग जरा ये तो सोच कर देखो कि इस घर की आखिरी शादी में ये ना हो तो कैसा लगता? अच्छा ही लगता, हम तो लक्ष्मी के कहने पर शादी में आए। पता होता ये भी आ रहे तो हम नहीं आते। अगर तुम्हारे भाई के यहाँ आने से कोई भी चेंजेस होते हो तो हमें बता दो, हम वापस चले जाएंगे। अगर इसकी वजह से कोई फैसला बदला तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। वो यहाँ शादी में कोई दखल नहीं देगा, वो सिर्फ अपनी बहन को विदा करेगा और चला जाएगा। क्या आप अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बताओ आपके बाप दादाओं को ये क्या सूझी कि इस अच्छा खासे घर को लकड़ी का बनवा डाला जिसकी कीमत भी साली दो कौड़ी की नहीं है। और पत्थर तो पत्थर है, सोने के भाव थोड़े जाएगा। तो जो बिकेगा उसको गाड़ी में भर के ले जाओ। और क्या, कितनी देर से इसकी बकवास सुन रहा हूँ मैं। तुम कितना दोगे ये बताओ। देखो दीमक लगे खंबे तो चोर बाजार में भी नहीं बिकेंगे। किसना चलो अंदर आ जाओ तुम भी। हाँ तुम एक काम करो, इन पत्थरों को ट्रक में भरवा के मेरे चार रास्ते वाले गोदाम पे भिजवा देना। और मेरे से अच्छी कीमत तो मैं कहती थी ना तेरी शादी में तेरा भैया जरूर आएगा। बस थोड़ी लंबी और मोटी हो गई है, बाकी बिल्कुल बच्ची है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई बड़े भैया। तेरा भोलापन तो बिल्कुल वैसा ही है रे, तू तो अभी भी बहुत मासूम है ना? ये कौन है? ये सड़क पर ली। क्या सचमुच? उसी तरह जिस तरह हमें सड़क पर कूड़ा करकट प्लास्टिक की थैली जिसे कोई उठाने वाला नहीं होता ना, ये भी उसी तरह पड़ी थी, लेकिन मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। क्या ये घर बेचे बिना ये शादी नहीं हो सकती? अगर हो सकती तो हम ये घर क्यों बेचते? पिछले 6 महीनों से पिताजी बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। एक एक करके दोनों भाई अपनी बीवियों को भी घर से ले गए, किसी को भी इंदु का ख्याल नहीं आया। ऐसे हालात में भला मैं क्या करती, तुम ही बताओ। तुम तो ये बात जानती हो कि ये घर मेरे और इंदु के नाम है। जब ये घर उनके नाम करने को कहा तब वो इस शादी में आने के लिए माने और शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार हुए। वैसे भी इतने बड़े घर को मेंटेन करने की ताकत किसी में नहीं है, इसीलिए पिताजी ने सारे कमरे बंद करके हमें इस बरामदे में शिफ्ट कर दिया है। अब वो इस घर को बनाए बेचे जो चाहे करें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इंदु खुश रहे। ये बताओ तुम पिताजी से मिलोगे ना? नहीं, उन्हें बताना भी नहीं कि मैं आया था। मैंने उनसे वादा किया था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो घर के सारे कर्ज का बोझ हल्का कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, उसके बाद ही उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगा। क्या है? ये बताओ कि क्या तुम इस बैग को लेकर पैदा हुई थी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता मैं इसे कहीं भी रखूं? ये मेरा बैग है। आजकल यहाँ चोर आ गए हैं। अगर कोई कीमती चीज है तो लाओ, मैं अलमारी में। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, चाबी मेरे पास ही रहती है, जब चाहे ले लेना। पता नहीं कौन सा खजाना है जो अलमारी में रखने जा रही है। ये अलमारी की चाबी सिर्फ औरतों के पास ही क्यों रहती है? मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे अपने घर में ताला क्यों तोड़ रहे हो? मेरा ही कमरा है, चोरों के डर से ताला लगा के गया था। ये सब चीजें किसकी हैं? ये सब इंस्ट्रूमेंट्स तुम मांग कर तो नहीं लाए हो? नहीं, ये सब मेरे ही हैं। अच्छा, चिराग वाले अलादीन ने दे दिया तुम्हें ये सब? अलाउद्दीन? अलाउद्दीन क्या तुम्हारे चाचा है? चोरों चक्कों से मेरा कोई नाता नहीं।
मुझे लगता है वो चोर नहीं मेरी तरह मेहनती थी। साला चुट्टा। क्या बोली तू? अच्छा ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस कमरे में क्या कर रहे हैं? ये वीणा तुम्हारी है? ये मेरी माँ की थी, अब ये मेरी। बताने को मैंने मना किया था ना? बताया नहीं, वीणा की आवाज से वो खुद ही समझ गए। अच्छा आप चलो। अपने बेटे को माफ कर दीजिए पिताजी। क्या कहना है? गाना सुनेंगे? कौन सा? तुम्हें गाने के लिए कह रहे हैं, वो गीत जो माँ ने तुम्हें सिखाया था। मैं सब भूल चुका हूँ, जीवन की उलझनों में संगीत भी उलझ के रह गया है। पिताजी के लिए गाना नहीं गाना चाहते? कोई बात नहीं, उनसे बात तो कर लो। क्या तुम इतनी सी बात नहीं मानोगे? पिताजी तुम्हारे जज्बात समझते हैं, उनकी खुशी के लिए बात कर लो। बाथरूम में गाने की बहुत प्रैक्टिस की है। वो पहाड़ी देख रही हो? वहां से यहां तक हमारे ही खेत थे, पर अब ये सारे खेत हमारे नहीं है, सब गांव पर लग गए। किसकी वजह से? मेरे अलावा और कौनों से? क्या बात है, पर ये सब किया कैसे? खेल खेल में। कौन से खेल में? जुए के खेल में। यहां यही एक खेल तो खेला जाता है, दूर दूर से लोग यहां जुआ खेलने आते हैं, और जब हारने लगते हैं तो खून खराबा तक हो जाता है। एक दिन मैं भी उनके झांसे में आ गया, हारने लगा तो घर और सारे खेत दांव पर लगा दिए। तब से अभी तक छुड़वा नहीं पाया, बस यही गड़बड़ हो गई। तुमसे ऐसा कैसे हो गया? मेरी जन्म पत्रिका में यही लिखा है कि 25 साल तक मुझे बहुत झोल झाल करने होंगे। उसके बाद? उसके बाद तो मुझे इन सब की आदत ही हो जाएगी। यानी तुम्हारी जिंदगी में अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा? अच्छा टाइम तो अब शुरू होगा, गिरवी रखी सारी जायदाद छुड़वा लूंगा। पर इतना पैसा तुम्हारे हाथ में है? हाथ में तो नहीं है, लेकिन नजर से दूर नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे बैग से मतलब कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा ना। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना, कब क्या मोड़ लेगी पता ही नहीं, एक पल भी चैन नहीं। जैसे हमारी खुशियां किसी बैग में बंद हों और हम उस बैग को चाहते हुए भी खोल नहीं पाते। अच्छा बताओ मेरा सपना क्या है? क्या है? उस पहाड़ी पर एक मंदिर है, मैं उसी में जाकर शादी करूंगा। लेकिन इस गाँव में कोई मंदिर नहीं है? बहुत से हैं, मगर मुझे कोई पसंद नहीं आया, और लड़की भी ऐश्वर्या राय से कम नहीं होनी चाहिए। ओह, लेकिन हाँ। तुम में भी तो कोई खूबी होनी चाहिए। अरे बहुत सारी खूबियां हैं मुझ में, और एक बार लड़की मुझसे बात करेगी तो ना तो भूल ही नहीं सकती। उसके बाद? उसके बाद मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के भी बच्चे होंगे, और फिर मैं अपनी सारी झोल झपाटे की कहानियां उन्हें सुनाया करूंगा। वैसे मुझे ज्यादा नहीं जीना है, बस 100 साल तक ठीक है। सपने तो काफी देखते हो। जो सपने देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं, तुम्हारा भी पूरा होगा। मेरा सपना पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेस्ट फ्रेंड साथ हो तो मंजिल आसान हो, और उसने शादी से इनकार किया ना तो ऐसी जगह मारूंगा कि शादी करने लायक नहीं रहेगा। मारूंगी। इतना प्यार, मैं मर जावा? फिलिक्स बहुत भोला है, मुझे लगता है उसे फंसाया गया है। अगर ऐसी बात है तो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चले आओ कि गोद में ले चलूं।
कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत है। मेरे हस्बैंड सऊदी से लेकर आए हैं। अभी तो वन पीस है। भैया ये किसना आखिर बापू को इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? अब वो जो भी करता है करने दो। मेरी बात सुनो, एक बार उनकी सगाई की रसम पूरी हो जाएगी ना, हम इंदु और भानु से साइन करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे? तैयार नहीं हुई तो मुझ पे छोड़ दो, मैं करवा लूंगी। ठीक है। लो वो आ गए। भैया दरअसल हमारी कार रास्ते में खराब हो गई थी, इसी वजह से हम लेट हो गए। कोई बात नहीं, आइए। नमस्ते। ये है साली और ये है सब साली। ये राजेश चूना लगाते हैं इनकम टैक्स को, और ये है फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये है रंजन चूना गारा लकड़ी का बिजनेस करता है। आइए आइए बैठिए। सब लोग चलो चलो आ जाओ। भैया वो दूल्हा कहाँ? दूल्हा एकदम सही वक्त पे आया है। सुनिए सारी तैयारियां हो गई हैं, अगर आप कहें तो महली की रस्म पहले कर लें। आप इस तरफ आइए। संभाल के चढ़िएगा, गिरिएगा नहीं। अब अंगूठी की रस्म पूरी करो। रुक जाओ, ये इंदु से शादी करेंगे? क्यों, कोई शक है क्या? मैं ही लड़का हूँ। तुम्हारी उम्र आशीर्वाद देने की हो गई है। गांधी जी वाले सत्याग्रह के फोटो में देखा था मैंने तुम्हें। हाँ। भैया क्या है ये? तुम क्या बात कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भैया ये शादी नहीं हो सकती। पूरी कीजिए रस्म। ध्यान मत दीजिए आप रस्म। रस्म कैसे हो रही है? तुम ऐसे अंगूठी पहनाने तुम असम हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चाहते हो कि इस बूढ़े की शादी इंदु से हो जाए और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? उठ के दीदी। शामिल होने के लिए कहा था, शादी को बर्बाद करने के लिए नहीं। लेकिन दीदी मैं इस बूढ़े से इंदु की शादी नहीं होने दूंगा। पर क्यों, क्यों नहीं होने देगा? जब सारी जायदाद चूहे में बर्बाद कर दी थी तब बहन की याद नहीं आई थी? जवाब दे, चुप क्यों है? आज छोटी बहन का घर बसने जा रहा है तो तू उसे भी उजाड़ना चाहता है। अगर तुझे अपनी बहन का ख्याल होता तो तू उसे छोड़कर नहीं जाता। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे, जीना मुश्किल हो गया था इस बेचारी का। जानते हो इसके पढ़े लिखे भाइयों ने ये शादी तय की है, अगर इसके नसीब में यही लिखा है तो ये शादी हो जाने दे। और मारिया मुझे, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो उसमें इंदु का क्या दोष है? मैं सब ठीक कर दूंगा दीदी, मेरा विश्वास कीजिए। तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, ये शादी नहीं हो सकती। तो अपनी रानी बहन को अपने महल में ले जाओ। भैया ये शादी हो जाने दीजिए, मैं किसी भी तरह एडजस्ट कर लूंगी। इंदु रो मत, बस थोड़ा सा वक्त है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा लड़का ढूंढ के लाऊंगा जो तेरे लायक हो। अपने भाई पर विश्वास है ना तुझे? मैं यहाँ से चला गया था इसका मतलब ये नहीं कि तेरे भाई को तुझसे प्यार नहीं है। पगली तू तो मेरी जान है। आप समझाइए। पिताजी मैं जानता हूं कि आपने मुझे कभी अच्छा नहीं माना, लेकिन देखना अब आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। मैं आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, बस आप ये शादी रुकवा दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शादी नहीं होगी।
से कहाँ जाओगे? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, पहले कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूं। यहां रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा। उस बुड्ढे को तो मंडप से भगा ही दिया, पर इंदु की शादी करनी ही होगी। मैंने वादा जो किया है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पिताजी, मेरी दीदी और जो लोग मुझे चाहते हैं नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो फिर तुमने ये जिम्मेदारी क्यों उठाई? अब तक मुझे जिस चीज पर भरोसा था वो चीज अब दिख ही नहीं रही। गोपी, चले गए थे? सुसु करने गया था। आँखों से सुसु करने वाला पहला इंसान जी। क्या? रो क्यों रहे थे? नहीं, मैं रो कहाँ रहा था, आँखों में तिनका चला गया था। लो, घंटी बज गई है। ये लो। क्या है? तुम्हें सफर में जरूरत पड़ेगी, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं। ये दुनिया गोल है, हो सकता है शायद हमारी मुलाकात फिर हो जाए। इस होटल में बहुत महंगे रूम हैं, 3,000 रुपए पर डे। तुम्हें तो पता ना मेरे खाने के वांदे हैं। सब लोग पहुंच गए क्या? बाकी तो सब पहुंच गए, लड़के वाले आने वाले हैं। और फिलिक्स? होटल में ही है। मैं मुलाकात कर लूं? इतनी जल्दी भी क्या है, वक्त आने पर कर लेना। अरे गोपी! ओ तेरी, तू क्या कर रही है यहाँ? जल्दी चलना, खा कहीं मोटी होगी। अरे चोरों की तरह भागी क्यों? अरे वही पुरानी कहानी अपनी। हाँ? इसका बाप इसकी शादी कहीं और कराने वाला था, मगर मैं मंडप पे टाइम पे पहुँच गया, उसे उठा कर यहाँ ले आया। मैं तुझे 24 घंटे 24 मिनट से ढूंढ रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है मनी, माला। नेकलेस की बात कर रहे हो? नेकलेस वाली माला नहीं, ये मेघा माला है। ये दोनों सिंगल से डबल होने वाले। अबे 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 क्या क्या हुआ? अबे ये तो वही माला वाली है ना। हाँ। जब तू इससे माला लेकर बेचेगा तब मैं इस माला से शादी कर पाऊंगा, नहीं तो कुंवारा मर जाऊंगा। समझ ले 50-50। अबे साफ साफ बताना है। मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अच्छा यार मनी, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देना। कितने? ज्यादा नहीं, 7,000 रुपए। रे डॉलर नहीं। तू क्या वहाँ से ऑटो खरीद कर यहाँ आया? इसे भगाने से पहले इसके नानी के घर गया था, वो यहाँ से 11,500 किलोमीटर दूर है, उसका भाड़ा उतना ही होता है। पर ऑटो कहाँ है? तुझे देखने के बाद मैंने होटल में ही ऑटो छोड़ दिया। ऑटो वाले को टोपी पिला के मैं होटल के अंदर गया और वहाँ से छलांग लगा के सीधे यहाँ पहुँचा। उसे जल्दी पटा रहा मनी, नहीं तो पुलिस लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। तेरे खर्चे कितने बढ़ गए? कटोरा लेकर यही भीख मांग लेते। लगता है कि लड़के वाले आ गए हैं, मैं जाकर पूछताछ करके आता हूं। छोड़ दे बच्चे, मैं क्या छड़ मेरा बैग चार बच्चों दिखा रहे? छोड़ दूंगा सर, मैं बॉय हूँ। बॉय है, वक्त पर शादी हो जाती, चार बच्चों का दादा बन जाता। अरे बॉय है, मैं क्या झगड़ा खत्म हो गया नीचे। आप लोग पहुँच गए, आइए आइए। उस मान का ध्यान रखना, बहुत चोर है यहाँ पे। चलो जी चलो। बड़ा शानदार होटल है। चोर की जानती नहीं मैं कौन हूँ। ये है मेरा भतीजा, और ये है लड़के के डैडी मिस्टर राधेलाल, बड़े नेक आदमी हैं। और ये है इनकी हो चुकी पत्नी मिसेस राधे जी, और ये है सूजी, मेरी इकलौती पत्नी। हम फोन पे बात कर चुके हैं। अच्छा। मेरा साला है चतुरु, नाम का ही चतुरु है, चतुरु नहीं है। समझी जी, बहन कहाँ है? वो फेरों के 2 मिनट पहले ही पहुँच पाएगी, बच्चे एग्जाम है।
देखिए अगर हम एक दूसरे को इसी तरह इंट्रोड्यूस करने लगे ना तो पूरा दिन यही गुजर जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप सब एक दूसरे को जान लीजिए। अब बाबू रूम्स का इंतजाम हो गया ना? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, जब भी काउंटर पर जाता हूँ कुछ ना कुछ बहाने बना देता है। अच्छा आप लोग चाय कॉफी पीजिए, मैं अभी आया। मैनेजर हो कि मैनेजर जैसे, सॉरी वन मिनट, रूम अभी मिलेगा। सुनिए yes? इतनी देरी क्यों हो रही है? 25 दिन पहले मैंने 60 रूम बुक किए थे। मैं माफी चाहती हूँ सर, अभी रूम की साफ सफाई चल रही है। सॉरी सर, तकलीफ के लिए माफी, तब तक आप वहाँ बैठ के कॉफी पीजिए, मैं आपको चाबियाँ भिजवाता हूँ। सॉरी आपको जल्दी रूम मिल जाएंगे, जरा साफ सफाई हो रही है। एक्सक्यूज मी, विजिटिंग कार्ड मिलेगा? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मैं हूँ रमन करता। हेलो मैंने यहाँ एक रूम बुक कराया है। मैं देख लीजिए। सॉरी सर इस वक्त काउंटर थोड़ा बिजी है, आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको चाबी भिजवाता हूँ, बस 15 मिनट। सुनिए आप में से जो भी नाश्ता करना चाहे कर लीजिए। मेरा 4 दिन से नाश्ता नहीं किया मैंने। तो चलिए। अरे यार सही जगह पे काम करते हो, यहाँ तो हर तरफ माल ही माल है। ये सारी लड़कियाँ सड़क छाप नहीं है, ये सभी अच्छे खानदान से हैं। इनकी तरफ नजर डालोगे तो तुम्हें अंदर डलवा दूंगा। तो क्या मैं तुम्हें भिखारी खानदान का लगता हूँ? ओए हमसा के बच्चे, तुम मुगल खानदान से है? सुन नीचे, मैं हमसा नहीं हूँ, करता हूँ करता। करता? तूने अपना नाम बदल लिया? मैं सिर्फ नाम बदला है, लेकिन नाम बदलने से कैरेक्टर थोड़े ही बदल जाता है। मेरी बीवी को मेरे कैरेक्टर पर शक होने लगा है। अगर तुम्हारे पास कोई माल हो तो बताना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले आए हो क्या? नहीं, वो भी आ रही है। हाँ, मेरा दोस्त भेज रहा है। हाँ। अगर माल पसंद आ गया तो मैं उसके साथ शादी करके लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, नहीं तो उसे रिटर्न टिकट दे दूंगा। हलकट जवानी। हमसा के नाम से रूम बुक है। One minute, sir. Hello. नहीं सर, कोई बुकिंग नहीं है। क्या बात कर रही हो, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता। है? मैंने क्या कहा है? अरे 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 क्या कर रहा है? अरे यार मेरे अपने बैग क्यों डाल रहा यार? हेलो मैं वीरपन। कौन अपन? बेटा मैं वीरपन सुपारी बोल रहा हूँ। जिसकी तुमने सुपारी दी है आ? वो हमसा यहाँ है ही नहीं। वो दूसरे नाम से ठहरा होगा। तो उसका दूसरा नाम बताओ। तुम्हें किसने पैसा दिया है तुम पता करो। अगर ऐसा है तो उसकी फोटो भेजो। किस नाम से? पाशा के नाम से। पाशा नहीं बुद्धू, पाशा। होटल के एड्रेस पे भेज देना। भेज दूंगा। ओके और हाँ 10% माल अभी भेज देना और 90% टपकाने के बाद। कैसे पता चलेगा? फ्लैश से ही पूछ देना। छोड़ो उसने एक चीज पहनी है, मारने के बाद वो चीज दिखा देना। ओके तुम बस उसकी ताजा फोटो भेज दो। फिर से इधर यार निकल लो। एक्सक्यूज मी यहाँ पाशा के नाम से एक बुकिंग है। सर थोड़ा टाइम लगेगा, अभी काउंटर बिजी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके जी। सर आप पीछे जाकर टिकाइए। हेलो। हेलो मैं करता हूँ। तू करता है या नहीं करता है इससे मुझे क्या मतलब? आप गलत समझे, मैं रमन करता हूँ। हेलो मेरा नाम पाशा है। बिपाशा? मैंने पाशा कहा, बिपाशा नहीं। चल चाय पी। ये चाय के कप में सूप है, तुम क्या करते हो? बेटा तू मुझे जानता नहीं है। ये लो सारी चाबियाँ। एक्सक्यूज मी आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं, लाइए मैं ही पहुँचा देता हूँ। सबका हाँ? नाम और नंबर इस लिस्ट में है। हाँ। सबको इसी लिस्ट के हिसाब से। ओके थैंक यू, वेलकम। पहले कुछ चाबियाँ जेब में डालता हूँ और इस लिस्ट को फाड़ के फेंकता हूँ। मैं क्या यहाँ का नौकर हूँ? हाँ लीजिए चाबी। चाबी मतलब कि ये रही आपकी की ये लो की लगता है इसे मुझे हॉर्न बजाने की आदत है। ये रही आपकी चाबी, एक चाबी इधर चाबी ये लो। जरा दुल्हन को तो बुलाओ। लीना ओ तुम हो, आओ आओ। बेटे अपने गॉडफादर के पास हो। गॉड ब्लेस। जीती रहो बेटी जीती रहो। आप तो सही वक्त पर आए। वक्त पर पहुंचने का एक ही राज है कि ये रिटायर्ड डीआईजी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं इसका गॉडफादर हूँ, जल्दी पहुंचना तो मेरी ड्यूटी है।
आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बस रास्ता जरा लंबा था। मेरी ही तमन्ना थी कि लीना की शादी हम सबसे बड़े चर्च में करें। ये तो तकदीर है हमारी, वरना किसी और चर्च में होती तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी शादी यहाँ के चर्च के सबसे सीनियर पादरी करवा रहे हैं। तो ऐसा है। और शादी में बिशप भी ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। यही तो मेरी बेटी का सौभाग्य है। एक पूरा दिन और एक पूरी रात गुजर गई है और मैं अब तक फिलिक्स से नहीं मिल पाई हूँ। फिलिक्स इसी होटल में ठहरा हुआ है ना, तो मैं उसे मिल क्यों नहीं सकती? हम यहाँ उससे सिर्फ मिलने नहीं आए, उसकी शादी तुड़वा के हम उसे ले जाने आए हैं। और जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है, हमें प्लानिंग करनी होगी। कैसी प्लानिंग? क्या वर्ल्ड वॉर करने जा रहे हो? एक बार अगर मैं फिलिक्स से मिल लूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक उसे देख भी नहीं पाया हूँ। ये लड़की वाले भी ऐसे वैसे नहीं है, अगर हमने जरा भी लापरवाही की ना तो हम दोनों जेल भी जा सकते हैं। और एक बात बताओ, वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि तुझे देखते ही वो तेरे पीछे दौड़ता हुआ चलाएगा? वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए जरूर आएगा। वो शादी से खुश नहीं होगा, फिलिक्स को उसके परिवार वालों ने फंसाया होगा, और मैं उस डायन को तो छोड़ूंगी नहीं। मुझे बस फिलिक्स से मिलना है। जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। जानती नहीं सब्र का फल मीठा होता है? मैं इस तरह के फल के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। आखिर मैं कब तक इंतजार करूं? मैं फिलिक्स से मिलने जा रही हूं। वीना प्लीज, तुम बहुत उतावली हो रही हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। देखो मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, अब मैं और नहीं। वीना तुम खामखा जिद क्यों कर रही हो? ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? अब समझा तुम मुझे गैर समझती। तो क्या समझूं? अगर फिलिक्स की शादी होगी तो मैं मर जाऊंगी और मेरी मरते ही तुम तो यहाँ से चलते बनोगे। तुम्हें क्या करना है, मेरी शादी फिलिक्स से हो या ना हो, मुझे ये जानना है कि वहाँ क्या चल रहा है। कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे सब पता है, तुम सोच रहे हो कि अगर फिलिक्स के साथ कुछ गड़बड़ होगी तो तुम्हें तुम्हारा नेकलेस नहीं मिलेगा है ना? ये लो चलते बनो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अगर फिलिक्स ने मुझे एक बार देख लिया ना तो मेरे पास दौड़ता हुआ आएगा। अब हटो यहाँ से। सुनो वीना। ओ फिलिक्स मैथ्यू, वो अपने कमरे में नहीं, वो वहाँ आपको उस हॉल में मिलेंगे। ओके। पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लगा, और इसीलिए मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। मैंने जिंदगी भर चोरी चकारी की लेकिन आज तक किसी का दिल नहीं दुखा है। ले ये माला मेरी जिंदगी है, इसे अपने पास रख, और ये नेकलेस मैं तुझसे उस वक्त वापस लूंगा जब तेरी शादी फिलिक्स से हो जाएगी। अगर अब भी विश्वास नहीं है तो इसे पहनकर ऊपर से कूद जाना। इसे ऊपर वाले ने बंदरिया क्यों नहीं बनाया? धोखा देखने के लिए तुझे एक बात पता है बड़े, यहाँ पे बटर चिकन के नाम पे कौवा खिला देते हैं मसाला मार के, पता भी नहीं चलता। एक आइडिया है, हम लोग शहर जाके यही डिश ठेले पे बेचेंगे। दूंगा ध्यान के नीचे, तेरा पेट है या कुआं साला कभी भरता ही नहीं। जहाँ ठहरा है ना वो किसी और का रूम है। भीख मांगने की नौबत आ गई।
ये ले। ये क्या मैं? चिल्लर है और क्या? अबे मुझे क्या भिखारी समझे तू? लाइफ में फर्स्ट टाइम पकड़ हुआ हूँ मैं। और जब पैसे आने तो भुक्कड़ की तरह खर्च कर लेता है। जब से वो लड़की मिली है तो अपने दोस्त को भूल कर उसके साथ अय्याशी कर रहा है। लू के पट्टे, तुझे सबको समझाया था ना? क्या? मैंने फ्रेडी से बात की थी। क्या हुआ? चिकन चिल्ली की खुशबू आ रही है। अबे बंगाली बात सुन। मैंने फ्रेडी से बात कर ली है, वो हमारा माल खरीदेगा। उसी का आदमी है शहर में, नाम है अब्दुल्ला। उसे जाकर मिलना होगा कि वो कैसा इंसान है, और फिर सीधी डील फाइनल करनी होगी। उसे ये कहकर एडवांस ले लेना कि हम फ्राइडे को माला देंगे। ये ले उसका फोन नंबर। हेलो अब्दुल भाई है क्या? तो कौन है? अब्दुल भाई आप ही हैं? मैं टोनी, आपसे किसी ने बात करने के लिए कहा था। फ्रेडी ने कहा होगा। मुझे आपसे मिलना है, बताइए कहाँ मिलेंगे, मैं वहाँ आ जाऊँगा। चर्च देखा है तुमने? हाँ, दोनों आँखों से देखा है। तो बस उसी के पीछे आ जाना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। मगर कौन सा चर्च? मैंने कोई चर्च नहीं देखा है। तो फिर ऐसी जगह बता जो तूने देखी हो, मैं वहीं आता हूँ। मैं एक बड़ी होटल से बोल रहा हूँ। तो वहीं इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ अब्दुल भाई आप आ जाइए, मैं आपका एक टांग पे इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुझे पहचानूंगा कैसे? इसी, मुझे देखते ही आप आवाज दे देना। जब पहचानूंगा नहीं तो देखूंगा कैसे? तो मैं ही कह दूंगा कि ये मैं हूँ, मुझे किसी का डर है क्या? बात डर की नहीं, पहचानने की है उल्लू। ओहो, बात तो पते की है। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं लाल गुलाब लेके खड़ा हो जाता हूँ आपके सामने। मुझे गुलाब नहीं चाहिए। भाई माल भी होगा ना मेरे साथ। हाँ? मतलब समझे ना, माला नेकलेस कितना चाहिए? फ्रेडी ने आपको कीमत तो बताई दी होगी, इसलिए आप अपने साथ थोड़ा सा टोकन भी लेते आना। क्या है कि उससे मैं 10-12 प्लेट चिकन चिल्ली खा लूंगा। ठीक है। हाँ, पर माल आपको फ्राइडे मिल जाएगा, तब तक बाकी पेमेंट अरेंज कर लेना। और सुनिए भाई, माल गर्मा गर्म और कड़क होना चाहिए, बासी नहीं। ओके है। क्या इसी जगह तुमने उसे देखा था? ये भी ओनी का चुकू। हाँ बॉस, मैंने उसे इसी होटल में देखा था। भाई साहब चलो, टैक्सी मेरी है, तू हट जा चुचू। मुझे स्टेशन की रेलवे लेके जाना। नहीं नहीं, तो नजदीक में बैंगलोर छोड़ दो। नहीं तो टैक्सी स्टैंड ही छोड़ दे। वो नहीं है तो क्या अमेरिका जाएगा? अगर भाड़ा नहीं लेना तो यहाँ पे क्या टाइम पास करेगा? मैंने उसे यही देखा था, वो आसपास ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इतने बड़े होटल में ठहरने की उसकी औकात नहीं है। हाँ, उसके पास तो अपना घर तक नहीं, अपने चाचा के घर पड़ा रहता है। वही तो मिला था मुझे, पर कमीना वहाँ से भी भाग गया। कहीं वो आपके साथ गेम तो नहीं खेल रहा? उससे गेम खेलेगा वो भी सकता है। वो रहा कमीना, पकड़ो उसे। बॉस, वो उस कमरे में छुपा है। कमरा नहीं गधे, वो लिफ्ट है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ और पकड़ा उसे। उल्लू के पट्ठो, उल्लू के पट्ठो। हाँ चलो। धक्का, फिर बाहर। इतनी ऊंचाई पे तो सिर्फ चांद हो सकता है। ये चांद है नहीं। कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ तक तो हमारे आगे ही था। तो क्या गड्ढा खोद कर नीचे चला गया? हम हरेक कमरा खोल के देखें। और हरेक कमरे से अलग अलग जूते पड़ेंगे। यही गुलाब था ना उसके हाथ में? हाँ। वो जरूर इसी कमरे में होगा। दरवाजा ठोक। ये ढक्कन खोल। कौन है भाई? लगता है अंदर डबल शो चल रहा है। आप चाहे जो भी हो, मैं यहाँ अपनी बेटी देकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। देखो दरवाजा खटखटाने से कुछ नहीं होगा, मैं दरवाजा तोड़ ही देता हूँ। अगर कोई भागे तो पकड़ लेना। मैं पकड़ूंगा। बस तू नहीं बचेगा। कौन है तू? मैं हूँ टॉम अंकल। टॉम के बच्चे बता, चेरी कहाँ है? अच्छा मैं नहलाता हूँ उसे। अरे बाप रे, भागो। सिक्योरिटी, मैं टॉम अंकल बोल रहा हूँ, घर में चोर घुसा है। मैं तो दरवाजा खुला छोड़ के गई थी, बंद कैसे हो गया? सी मैडम, जाओ अंदर टेबल पर रख दो, कोई ना कोई आ ही जाता है, नहाने भी नहीं देते। हेलो, मैं वापस आऊंगा लेने। दफा हो यहां से। प्लेट जिसे देखो लेन देन की बातें करता है। फोन क्यों किया तूने? तो मैंने सुबह फोन करने को कहा था। तो तुम्हें रोने को आई
बोलना पड़ता है, इसे ही बंद कर देता हूँ। न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। This is too much. चोर भी इस 5-star होटल के बाथरूम में घुस सकता है? काम 5-star के और काम 2-star का भी नहीं। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सर प्लीज, पुलिस को बीच में मत डालो। तो चलो एक एक कमरा अच्छी तरह चेक करो। सर होटल में 200 कमरे हैं, एक एक कमरे में कैसे चेक करेंगे? किस किस से पूछेंगे क्या आप चोर हैं, क्या आप चोर हैं? होटल बदनाम हो जाएगा। आप बताएंगे दिखने में कैसा है? दिखने में तो हमने तो बस एक ही झलक देखा, वो ऐसा था जैसे कुत्ते को मूंछें निकल आई हो। उसके घनी मूंछें देखकर मैं कुंभ के मेले में भी उसे पहचान लूं। आपको वो जैसे ही दिखे हमें फोन कर दीजिएगा, हम उसकी इतनी धुलाई करेंगे कि हिल डुल नहीं पाएगा। सुन लिया ना बॉस, अगर आप उन लोगों के हाथ लग गए ना तो आपके रास्ते लग गए। मैं अपनी मुझे मुंडवा लेता हूँ, उसके बाद इन बुड्ढों के सामने ही नहीं आऊंगा। लेकिन माला की शादी इस 12 तारीख को तय हुई है, अगर किसी को पता चल गया कि माला किसी लड़के के साथ भाग गई है तो इस जन्म में उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। अभी तो मैंने उन लोगों से कह रखा है कि वो अपनी सहेली के साथ कहीं गई है, पर शादी के पंडाल में उसे ले जाना ही होगा, वरना मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अगला प्रोग्राम क्या है? डांस करना है म्यूजिक पर। कहाँ? तेरे बाप की शादी है ना, कमरा बुक कर जा। रिसेप्शन कहाँ है? रिसेप्शन हम कहीं भी रख लेंगे गधे, पहले शादी तो हो जाए। पहले शादी होगी फिर होगा ना रिसेप्शन। बॉस तुम भी ना, होटल का रिसेप्शन रूम बुक करने के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा। बताइए वो कहाँ पर है? राइट में है, जा। चल बे। सर रूम नंबर 117 में आप ही हैं? आपके लिए कॉल है। कॉल? जी हाँ, इंटरनेशनल कॉल। इंटरनेशनल कॉल? मैं भी आया। कॉल कौन है ये? पॉल। एक्सक्यूज मी, हेलो, हु इज दिस? अरे मनी बोल रहा हूँ भाई। अब्दुल्ला से मिला? नहीं मिला, पर वो आने वाला है। मैंने उसे टोकन लेकर आने के लिए कहा था, वो लाल गुलाब लेकर आएगा, वही उसकी पहचान है। पूछ रहा जा, मैं नहीं आ सकता, कबाट में फंसा हुआ हूँ। अबे कुत्ते कहाँ फंसा है? अबे फंसा हुआ, आके बचा ले। हेलो हेलो हेलो, उफू कुत्ता बना दिया रे। हेलो हेलो, अच्छा अब्दुल्ला लाल गुलाब के साथ खड़ा होगा जब मैं लाल गुलाब लेके जाऊँ। क्या कंफ्यूजन है यार, पता नहीं है इंटरनेशनल कॉल आया कहाँ से। अब तो वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं एसपी को बताऊंगा। चलो सर उस तरफ जाइए। होटल के गेस्ट लिस्ट में क्या मिस्टर राधेलाल नाम का कोई आदमी है? One minute, sir. हाथ में लाल गुलाब, कहीं यही तो अब्दुल्ला ने। मनी मेरा दोस्त है, माला मेरे पास है। मनी मेरा दोस्त है, माला मेरे पास है। माला कहाँ है? माला मेरे कब्जे में। मैं तुमसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाऊँ। चलेगा तो अब सीधा हम धंधे की बात पर आए। धंधे की बात? हाँ, माला को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग। मेरे ही आदमी है, ये लोग काटते तो नहीं ना? सुनो चमचो, माला को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे मांग रहे हैं। अगर भाव ताव किया तो माला कई हाथ से, और फिर ये बात प्रेस में और फिर पुलिस में जाएगी और आपकी माला भाड़ में जाएगी। आपके पास क्या कमी है? दे दो उसे जितना मांग रहा है। जाओ जाओ सोचो। बहुत खर्चा हो जाएगा रे। बताओ, मीटिंग कितना चाहिए? शुरुआत में 25,000 और बाकी माला देने के बाद। कह दीजिए, अभी देता हूँ। तेरे बाप का माल है क्या गधे कहीं के? पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। माला को लेने के लिए बॉम्बे से बहुत पार्टियां आई। नहीं मैंने तो बॉस, ये कोई चिल्लर पार्टी नहीं है, लगता है इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, लड़कियों का धंधा। ऐसे लोगों के सर पर नेताओं का हाथ होता है। पैसे का मुंह मत देखो, उसकी बात मान लो। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम माला किसी और को मत देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तुमसे बाद में अपने रूम में मिलता हूँ। रूम का कोई नंबर भी है? 222। कब तक आऊँ? ऑफिस टाइम तक आ जाना। सर जिस नाम से रूम बुक है उसमें कोई फोन नहीं उठा रहा है, क्या प्रॉब्लम है सर? उसका अरेस्ट वारंट है। इस वक्त सब रेस्टोरेंट में, वहीं जाकर पूछताछ कर लीजिए। कुरियर आया। सर आपके लिए कुरियर है। तुम देने मत आना, मैं लेने आता हूँ। कबाब में हड्डी लग रहे होंगे।
दूल्हा दुल्हन को अपनी लाइफ के कलर्स खुद डिसाइड करने चाहिए। आपसे एक बात करनी थी, बुरा मत मानिएगा। अब तक का सारा इंतजाम तो हो गया है, पार्टी डांस डीजे और होटल वगैरह के लिए 22 लाख रुपए खर्च हो गए, वो तो अरेंज हो गया है। बैंक से डीडी मैंने मंगवाया है, पर 4 दिन लगातार छुट्टी होने की वजह से मैं थोड़ा सा फंस गया। शादी होने से 2 दिन पहले यानी शुक्रवार तक मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा, और अगर इसके बावजूद आपको अर्जेंसी हो तो अरेंज हो जाएगा। ओ ना जी ना, कोई अर्जेंसी नहीं है। एक मिनट जी, मेरे साथ इधर आओ, बात करनी है कुछ। मैं भी आया। फोटो अच्छे आए। यहाँ ज्यादा शराफत मत दिखाओ, नहीं तो हमारी हालत भिखारियों से भी बदतर हो जानी है। ओ डार्लिंग, लेकिन हमें पैसे की जरूरत है। मुझे तुम्हें नहीं होगी, मुझे तो है। सोने की पायल पहनी तुझे। मैं सोने की पायल खरीदूं या सारे पैसे दान में दे दूं तुम्हें क्या? आज पैसे देने का वादा किया था, कहाँ है पैसे? सोने की पायल चाहिए ना, अभी बनवाता हूँ। टेंशन क्यों लेती है तू? देखो जी, दिमाग न खाओ, मुझे 5 लाख चाहिए बस। तुझे अचार डालना है? मुझे शादी के लिए महंगे कपड़े और गहने खरीदने, नहीं तो मैं रूम से नहीं निकलूंगी। मर जाऊंगा। चलो बात करो। सर एक मिनट, यहाँ आइए। राधेलाल नाम का कोई आदमी है यहाँ पर? ओ जी क्या हुआ सर जी? उसके नाम अरेस्ट वारंट है, चेक बाउंसिंग का केस है उस पर। जितनी जल्दी चेक देता है उसे दुगनी जल्दी लौटाता है। लौटाता है? एक केस नहीं, 8 केस है उसके नाम पर। कहाँ है वो? पर सर जी यहाँ तो नहीं है। मगर उसके नाम पे तो यहाँ रूम बुक है। उसके नाम से रूम बुक तो जरूर है, आखिर रिलेटिव है मेरा। ऐसे लोगों को रिलेटिव बताते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो कमीना किसी का रिश्तेदार नहीं। बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके आते ही बताना, पिछले जन्म से ढूंढे जा रहा हूँ उसे। शोभराज के लिए भी इतनी मेहनत नहीं की। उसके आते ही मैं कॉल करता हूँ आपको। यहाँ पर रूम है, अपने आप ढूंढ लूंगा उसे। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए ना तो ये डंडा घुसेड़ दूंगा। आप जाओ, मैं फोन करता हूँ। संदीप जी, पुलिस क्यों आई? वो रिश्तेदार है हमारे। मगर वो तो किसी को ढूंढ रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि रिश्ता कहाँ किया, कैसे लोग है। मैंने बता दिया, अच्छे लोग है, बढ़िया है। अब जरा कोने में आएंगे, कोने में जरूरी बात है। तुमसे मिलने को मेरी आंखें तरस गई। यहाँ क्यों आई हो? मैं रात को मिलती हूँ ना। मिलने की नहीं, भागने की सोचो। पैसे तो मिलने दो। रात को करोगी ना? मौका मिलते कॉल करूंगी। ओए बस बस। वो कितनी प्यारी है। सिर्फ प्यारी नहीं, हरी भरी भी है। अरे नहीं, भरी भरी है। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। इसकी डीलिंग बहुत ही सिंपल है। अच्छा? और इसके हस्बैंड को सब कुछ पता है। सुबह ही उसके कमरे में डीलिंग चल रही थी, मैंने खुद देखा। हा? अगर उसे आप अच्छी डील देते हैं, यानी कि माल ढीला करते हैं, तो आप भी गद्दे पे सोएंगे। ऐसा? हाँ, देखिए जल्दी से डील फिक्स कर दीजिए। वैसे हा? आपकी वो पहले वाली आइटम का है? ये राजी होती है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा? वो जान बची और लाखों पाए पुलिस से बच के घर को आए। ओ जी पुलिस क्यों आई थी? वो तेरे बाप को जो चेक दिया था ना, उसी के चक्कर में आई थी। बस कहीं से हराम के पैसे मिल जाए, फिर तेरे बाप को बताता हूँ। प्यारे लाल से पैसा मिला? प्यारे लाल कहता है कि पैसा मिल जाएगा। कोई टॉम अंकल है, उसी को चूना लगाया उसने। वैसे हमारी कोई पहचान नहीं है, मगर जान पहचान ऐसी तो बढ़ती है। हाँ, अरे राउंड राउंड मत घुमाओ, सीधे पॉइंट पर आओ। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अंकल अंकल भैया सैया, तुम कुछ बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सर्विस अच्छी होनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। पैसे तो लाए है ना? पैसा वो तो कमरे में लेके आऊंगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। मैं वही ले लूं। तो फिर मैं कब आऊं? जब आपका दिल करे। इतना तो ठीक है, मैं चलता हूं। अंकल रूम नंबर 229। टेंशन ना लो, मैं खुद जाके ले लेता हूं। पापा तोड़ के यहां आइए। ओ पैड मैं बिना पिए झूम क्यों रहा हूं? पापा बीना। ओ कुत्ते क्या का बीना है? पापा मेरी चार आंखें देखा मैंने उसको वहां पर, कहां से टपकी। तूने कार्ड क्यों दिया? मैंने नहीं दिया। ओ समझ गया, ओ मैं समझ गया पुत्र, तू अपने बाप के साथ गेम खेल रहा। तू चाहता है शादी टूट जाए और मैं साथ में आ जाऊं, वो जरूर प्रेग्नेंट होगी। अगर उसने सारे लव लेटर्स दिखा दिए तो हम दोनों तो गए 12 के भाव। जी कर रहा था इसे गले लगा लूं। मुझे आ रहा है पसीना, पता कहां है बीना? क्या तो कोई भी नहीं, जरूर तूने पी रखी। दिन में आप पीते हो पापा, मैं नहीं। कितनी मुश्किल से ये फैमिली फंसी थी और तूने सब पेड़ा कर कर दिया। अगर ये केस खुला तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे सड़क पर, भीख मांगे के नाच नाच के। क्या हुआ, आप नाच क्यों रहे हैं? अरे मेरे इकलौते बेटे की शादी है, नाचूंगा नहीं। जो जी मैं कीजिए, वही तो कर रहा हूँ। कहते बेटा तू मजाक कर रहा था। पापा मैं आपकी तरह गधा हूँ, अंधा नहीं। वो खोते इस रास्ते से निकल, वो लाल साड़ी में ही थी ना। मेरा कुरियर सर, ये ले। थैंक यू। उड़ी बाबा का बच्चा,
हाँ ओके ओके जल्दी जी, आप किसी और का दरवाजा ठोक रहे हैं। वो यहाँ हमारे दूर का रिश्तेदार है। कौन दूर का रिश्तेदार? वो हमारी दादी है। दादी? वो कब पैदा हुई? वो कहीं दूर वाली दादी। तो मैं तो उनसे जरूर मिलूंगा। जरूर, मैं खुद मिलवाऊंगा। सो रही है ना अभी? ठीक है, मैं आपको पादरी का मैसेज देने आया था। कुंबला वाला पादरी? अरे कुंबला से हो या जुमली तलैया से, पादरी ने खास बात के लिए हमें बुलाया। आइए चलिए। हेलो जोशी है? हाँ बोलो। आपके आदमी ने मुझे जिस रमनकर्ता का नंबर दिया था उस पर कोई उठा ही नहीं रहा है, अब क्या करूं मैं? उसकी जरूरत है ना, वो जरूर फोन करेगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। बिल्कुल खिलाफ, पेमेंट डबल चाहिए। मैं हूँ और मेरा साला है, उसको मारना है। हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई है, मैं पहचानूंगा कैसे कि फोटो में तुम्हारा साला कौन सा है? फोटो में जो बाएं हाथ पे है उसे टपकाना है। ओके ओके, इसका मतलब फोटो में सीधे हाथ की तरफ तुम हो। ये मर्डर नहीं, हादसा दिखना चाहिए। हम साले कच्ची गोलियां नहीं पक्की कोटियां खेली है, आप बेफिक्र रहिए। मेरे पास बंगाली बाबा का एक जादुई सोल्यूशन है जिसे सुनाते ही आदमी बेहोश हो जाता है। बाएं हाथ की तरफ ये है, मतलब इसे टपकाना है। पापा आप कहाँ थे? आपका फोन आया है, आइए मेरे साथ। अरे कहाँ गया बाएं हाथ वाला? दरवाजा बंद। हाँ डैडी, लेकिन पहले आप फोन करिए। इलियास के रूम में डेविड है और डेविड के रूम में राज जला है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब मैं क्या करूँ? जरा देख तो। हाँ। अच्छा, मैंने तो सौदा मूछ वाले से किया था, पर तुम डरो नहीं, मैं वही हूँ। तैयार है, पर माला कहाँ है? माला इस होटल में ही है ना? हाँ है। तो तू उसे अपने साथ क्यों लाया? मैं रोड पर बांकड़ा लगा के नहीं बैठा हूँ, प्रोफेशनल हूँ। और ये माला की डील कोई मामूली डील नहीं है, इस डील के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं, बॉस की इज्जत का सवाल। देख बॉस, टाइम वेस्ट नहीं करने का, जल्दी डील फाइनल कर, नहीं तो मैं किसी और को। अरे अरे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? किसी और के साथ सौदा करोगे? जितना चाहो एडवांस ले लो, पर माला का सौदा किसी और से मत करना, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। नहीं करूंगा, पर पैसे? ठीक है, मैं पैसे लाता हूँ। बहुत बढ़िया, बाकी पैसा माला मिलने के बाद। हाँ बस माला मुझे मिल जाए, हे भगवान। क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? हा? इसे मणि की चिंता हो रही है, वो कह के गया था कि अभी आता हूँ और अभी तक नहीं आया। हाँ तो आ जाएगा, मैंने ही उसे किसी काम से भेजा हुआ। रुको मैं देखता हूँ। हेलो भाई, मणि बोल रहा हूँ। अबे साले कहाँ फंसा है तू? वही फंसा हूँ उसी अलमारी में भाई। क्या? एक होटल है, उसमें एक कमरा है, उसके अंदर एक अलमारी है। अरे, अरे,
तो उसमें गए क्यों? कहानी लंबी है, पिक्चर बनाए तो दो पार्ट में बनेगी, छोटे में समझ जाओ ना भाई। कौन सा कमरा है? कमरा बहुत ऊपर है। अरे फ्लोर कौन सा है? पता नहीं कौन सा है। अरे आसपास की कोई निशानी तो बता। हाँ निशानी अभी बताता हूँ भाई, निशानी। हेलो हेलो, अभी इसकी भी बैटरी मेरे साथ अभी डाउन होनी थी, अब मैं कहाँ चार्ज करवा लो। अरे कोई तो बोलो। जरा सी देर हो जाती है, अपनी बीवी का गुस्सा वेटर पर उतारते हैं। अभी बताता हूँ, साले को पता चलेगा किससे पंगा ले रहा है। उस अलमारी का पता कैसे लगाऊं? तूने चोरी की, अभी जाके मैनेजर को बताता हूँ। पैसे देकर कुत्तों का जूठा खाना हम लोग खाएं? सॉरी सर, चाहे तो आप भी एक पीस खा ले। चुप! बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, दया कीजिए प्लीज, किसी को मत बताइएगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। जो कहूँगा करेगा। बस कुएं में कुत्ते को मत कहिए, मुझे तैरना नहीं आता। डर मत, नहीं कहूँगा। यहाँ होटल के किसी एक कमरे में मनी है। कौन सा मनी? तू जो समझ रहे वो मनी नहीं, मेरा दोस्त मनी। बेचारा अटक गया है, बुरी तरह से अटक गया है। तुझे हर एक कमरे की अलमारी खोलकर उसे बाहर निकालना होगा। इसका अलग पैसा दूंगा, लेकिन किसी को बताना मत। 300 कमरे हैं और हर एक कमरे में जाकर अलमारी खोलना आसान काम नहीं है। फिर भी कुछ वक्त दीजिए, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन काम होना चाहिए वरना। नहीं नहीं, मैं समझ गया। आप कौन? तू क्या है, क्यों है, मुझे सब पता है। तेरे को चाहिए क्या, बस इतना बता दे। मैंने पहले ही कहा था मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं तो मुझे मेरा पैसा दे दो। उस शादी की बात तो बिल्कुल भूल जा, तुझे बस पैसे कितने चाहिए उतना बता दे। ऐसा है तो 50,000 दे दो, उससे कम में काम नहीं होगा। तेरे में अमाउंट ज्यादा नहीं लगता? तो शादी करवा दो, फ्री में कुछ नहीं होता। शादी तो नहीं होगी, मैं पूरे 50,000 दे दूंगा, लेकिन इस पेमेंट के बाद हमारे बीच में और कोई लेन देन नहीं होगा। और क्या चाहिए मुझे? नो प्रॉब्लम, फिर मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। इस रूम में भी चेक कर लेता हूँ वो कमीना आया कि नहीं। सर जी मुझे नहीं लगता वो कमीना यहाँ आएगा, आपका कैंडी जैसा शरीर देखकर वो यहाँ से भाग गया होगा। नहीं, उसके बगैर नहीं जाऊंगा मैं। एक बार वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो उसको माँ का दूध याद दिला दूंगा। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसने अपनी माँ का दूध पिया नहीं, उसके होते ही माँ गुजर गई। जितना मनहूस था दुनिया में आते ही माँ की जान ले ली। बस कीजिए वरना मेरे आंसू निकल जाएंगे। हम चले जाइए सर, बस खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। ऐसे लंबे लोगों की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो दरवाजा खोल, वरना तोड़ देना है। खोलो। अंदर तो कोई नहीं है। हाँ, वो टॉम अंकल तू ही है? Yes. वो मैं राधे लाल हूँ, दुल्हन का बाप। दुल्हन का वो बाप प्यो। राधे लाल ने आपसे पैसे की बात की थी, मैं वही लेने आया हूँ। हाँ उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने भेज दिया किसी को पैसे लाने के लिए। आप बैठिए ना। मुझे बैठने का टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है। जरूर होगा साहब, इतने हाई लेवल पर एक अनजान शहर में इतनी शानदार शादी करना मजाक है। मैंने बहुत दिनों की बातें सुनी है। जैसे ही 50,000 आ जाए आप 104 नंबर रूम में पहुँचा दीजिएगा। 104 नंबर? 104 में कौन? मुझे 104 में तो है तेरा सब कुछ। ओ ऐसा, और बाकी पैसा तेरे को मेरे रूम में पहुँचाना है। 104 में आपको 50,000 पहुँचाना है और बाकी मेरे रूम में। मुझे जोर के आइए जाना है। सुन, तू टॉम अंकल को फोन कर लेना, मेरी पैसों की बात होगी है, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? टोका मत कर, मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाके आना है, तेरे बाप की भी बात करूंगा उससे। हेलो, जरा अंकल टॉम से बात कराना जी। हेलो अंकल, जैसे आपके पास पैसे आ जाए ना आप आ जाना। क्या इतनी जल्दी? पैसा भी तैयार है, अपना रूम नंबर बताओ। हेलो, मैं रूम नंबर 229 से बोल रहा हूँ। पैसा आ गया तो क्या मैं लेने आ जाऊँ? आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हो? सर यहाँ कोई नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि मैं वहाँ खुद आ जाऊँ। पैसा दे रहे हो तो फिर पूछना कैसा? आपके रूम में मैंने फोन किया था, किसी ने उठाया? उस वक्त मैं शायद काउंटर पर गया था कैश लेने के लिए। ओह ये बात है, तो मैं लेने आती हूँ। आइए आइए, आराम से बैठिए। जानती हो अगर मुझे इंटरेस्ट आ गया तो समझ लो कि तुम्हारा भी इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। ये लो। क्या मतलब ये इंटरेस्ट? मैं पैसे? इंटरेस्ट बहुत ही शरारती हो भाई तुम, मुझे टाइटेनिक बहुत पसंद है। बैठो ना। अरे जाने भानी, अंदर चलो, इसको करने दो। अरे ये तुम कैसे?
किसकी बात कर रहे हो? टॉम अंकल ने तुम्हारी बीवी पे हाथ डाला? हाथ ही नहीं डाला, उसको किस में किया है? काल में टीथ प्रिंट मौजूद है, आइए दिखा दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ, मैं भरी जवानी में बर्बाद हूँ। बहन जी आप अपनी छोड़िए, मेरे बेटे की सोचिए, वो तो दूसरी शादी लायक ही नहीं रहेगा। रिलैक्स समथी जी, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। कौन सा चार रास्ता, सात रास्ता? यहाँ मेरी बीवी की इज्जत बर्बाद हो गई है और आपको अभी तक रास्ता नहीं सोचा। मुझे कुछ करना होगा, मुंह तोड़ देना है मैंने उसका, अपनी बीवी को भी किस नहीं करेगा। बस भी कीजिए समथी जी, ये बात तो सिर्फ हम ही जानते हैं ना, आस पास इतने सारे रिश्तेदार हैं, अगर किसी ने ये बात सुन ली तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक रहूंगा नहीं। अगर इस छोटी सी गलती के लिए आप 5-10 लाख रुपए चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा। सिर्फ 5-10 लाख रुपए की वजह से नहीं मान रहा हूँ मैं, इस घटिया हरकत को अपनी रिश्तेदारी की वजह से मंजूर कर रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। कहाँ है वो ठरकी अंकल? ठरकी अंकल और क्या, जो माँ बहनों के साथ बुरा बर्ताव करे उसे मैं ठरकी नहीं तो और क्या कहूँ। अरे मुझे आप ही का इंतजार था, लेट कैसे हो गई? लेटी थी। प्लीज कम। लीजिए। मैं बैठ सकती हूँ? बैठिए ना। आप चाय पियेंगी? थोड़ी देर बाद। फोन पर आपकी आवाज और सामने आपकी आवाज बहुत फर्क है। आपको मैं पसंद हूँ ना? आप कौन सी फिल्म? पैसे देके इतने सवाल मत पूछो, हर की। चलो कुछ काम करते हैं। मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। वो किस लिए? May I come in, sir? Yes. चाय बना दो सर। नहीं रहने। ओके सर। अब सर बिल सर। बिल 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 तो बाद में। मुझे कार्ड डालो। जान ले लो मेरी। मैं नहीं जानती थी कि तुम भूखे भेड़िए हो। मुझे मारो। एक मिनट। मुझे कुछ भी नहीं पता। लड़के के बाप ने कहा था कि उसे पैसे दे देना, मैंने दे दिए। अरे सिर्फ पैसे देने की ही बात की थी ना, बदतमीजी करने को थोड़ी कहा था। मैं? कैसी बदतमीजी? अरे तुमने मेरे समझी की वाइफ को किस लिए किया? अरे उसकी वाइफ को तो मैंने देखा भी नहीं, किस कैसे करूंगा? ये तो ऐसा भोला बन रहा जैसे कुछ जानता ही नहीं। आज उसके साथ, कल पता नहीं किसके साथ करेगा ये ठगी अंकल। पहले तो उसे पकड़ कर किस किया और अब बोलता है उसे जानता ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, आप किस किस की बात कर रहे हैं? हम सब उस किस की बात कर रहे हैं जो आपने जाके राधे लाल जी के रूम में की। ना तो मैं किसी रूम में गया हूँ, ना ही मैंने किसी को किस किया। जिसने ये कहा है उसे बुलाइए, इसी वक्त बुलाइए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। इससे बात और बढ़ेगी। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो सबको बुलाया जाए। बुलाओ, सबको बुलाओ, उन्हें भी पता चले कि इनकी असलियत क्या है। इस आदमी के साथ मैं 40 साल से रह रही हूँ और इसने आज तक मुझे ढंग से देखा तक नहीं। मेरे रहते हुए उस औरत के साथ लपटोगी कैसे कर सकता है? अरे ये क्या, तिलक बीच के बजाय किनारे क्यों लगा? वो मैं बाथरूम में फिसल गया। तुम्हारे खून से खुशबू कैसे आ रही है? हाँ, वो नेक दिल इंसान के खून में खुशबू होती है। अरे इसके खून से तो बदबू आनी चाहिए। मैं राधे लाल जी को बुलाती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप सब वहाँ जाके बात कीजिए। चलो ना, सब पता चल जाएगा। चलिए। उड़ी बाबा, यहाँ तो एक सिर कटी लाश खड़ी है। ये देखो, ये देखो, अब ये कहाँ से आई? मैं नहीं जानता ये कौन है, मैंने पहले कभी नहीं देखा इसे। अरे ये तुम्हारी अलमारी में छुपी है, तुम्हें पता नहीं कौन है? मैं सच में नहीं जानता ये कौन है और कहाँ से आई है। सच बता, झूठ नहीं बोलना। इसने तुम्हें यहाँ आने के लिए कितने पैसे दिए? डाका डालने आई हो। पुलिस को बुलाओ। डाका डालने नहीं आई, इस ठरकी ने बुलाया था। और मैंने तुम्हें कब बुलाया? अच्छा फिर फोन किसने किया था कि तुम होटल में आ जाओ, मैं तुमसे शादी करता हूँ? ओ गॉड, ये मैंने सब नहीं कहा था। जहन्नुम में जाओगी, झूठ मत बोलो। तुमने क्या कहा था? मैंने सिर्फ इतना कहा था मैं पैसे लाऊं, तुमने कहा था मैं खुद ही आ जाती हूँ। ओहो, तो तुमने इसे बुलाया पैसे देने के लिए? अरे अब तुमने एक भी शब्द कहा तो मार मार के भूसा मार दूंगा। मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे। एक बाजारू औरत को अपने कमरे में लाकर अपने खानदान के मान सम्मान का अपमान किया इस ठगी ने। अब मैं क्या करूँ, रुकूँ या जाऊँ? अब पूछने क्या, निकले यहाँ से। कुछ धंधे वाली ज्यादा शराफत मत दिखाओ। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मैं जानती हूँ, मैं तो हूँ ही धंधे वाली, और अगर मेरे मुंह लगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को धंधे पे लगा दूंगी। हाय, मैं बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? मुझे नहीं जीना, मुझे मार डालो। लिंग, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, बस एक बार। राधे लाल को इसी वक्त यहाँ बुलवाओ, वही बता सकता है कि ये औरत कौन थी। बेकार में शक कर रही हूँ, सारी सच्चाई वही जानता है। सर कैसे समझाऊं तुम्हें? तो आप लोगों को सच्चाई जाननी है ना, तब फिर सुन लो। मैं ना उस औरत को जानता ही नहीं हूँ और मैंने किसी को पैसे देने को कहा ही नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था? नहीं 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 कहा ना। नहीं तुमने नहीं कहा था कि मैं उसे पैसे दे दूँ? मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हो, क्या कर रहे हो?
मेरे संधि को मारकर शादी भी बोला जाते हैं बोल रहा मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अब तुम्हारी जबान चली तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा इस घटिया इंसान ने आपके साथ जो भी बदतमीजी की है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ मेरी तो बस इकलौती बेटी है अगर उसकी शादी आप जैसे महान इंसान के खानदान में नहीं हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा इस लड़की ने आपके साथ जो घटिया हरकत की उसके लिए मैं आपको 5-6 लाख एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ सब्धी जी आप मान भी जाइए ये शादी मेरे बजट से बाहर है अब माफ कर दीजिए माफ किया मैं तो सब कुछ भूल गया लेकिन आ एठर की मेरे को नजर नहीं आना चाहिए बिल्कुल नहीं दिखेगा मैं वादा करता हूँ अबे एठर यार मैं डीआईजी हूँ तेरी तो मैं देख मेरी बेटी की शादी होने तक तू अपने कमरे से बाहर मत निकल ला वरना तुझे चीर के रख दूंगा एठर की पुत्र लो अब बिंदी भी लगा ही लो अब लग रही हो ना अच्छा तुम अडो ना तुम तो मिस वर्ल्ड लग रही हो इतने दिन तक ये खूबसूरती कहां छुपा के रखी थी हा? सच कहूं तो मैं भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा चाहने लगा हूं पर तुम तो ऐश्वर्या राय को चाहते हो ना हाँ तुम ऐश्वर्या से कम नहीं हो और वैसे भी सपने देखने में क्या हर्ज है एक बार माला मेरे हाथ आ जाए ना फिर देखना तुम मेरे ढाट हाँ अब चलो चलो जल्दी पार्टी शुरू हो गई है और वहां चलकर हमें बहुत बड़ा ड्रामा करना है तुम चाहती क्या हो कौन हो तुम वीना जो पूछा तुमसे उसका जवाब दो वीना कौन वीना एक्सक्यूज मी व्हाट्स द मैटर कैन आई हेल्प यू अरे नहीं इन्हें शायद गलतफहमी हो गई ओहो गुड नाइट चलो Excuse me. Yes. Hello. जरा उस टेबल पर आएंगे? Just a minute. Thank you. हाँ मौका मिले चौका मार दो. मेरा तो ये कहना. क्या family से परेशान? अरे नहीं भाई. सच बताओ कौन हो तुम? एबी वाजपेयी आडवाणी पीएन और विजय के बारे में कभी सुना है? तुम उनके रिश्तेदार हो? नहीं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ पर एक बार उनसे मिलने की ख्वाहिश जरूर रखता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? छाछ पीने अरे ये बार है लोग शराब पीने आते हैं कोई तबेला नहीं है वीना मेरी है समझा नहीं ये मेरी है मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ वो मेरी वीना है हाँ तो इतना चिल्लाने की क्या बात है तो जिस लड़की की बात कर रहा है ना वो वीना वीना नहीं है मैं उसे शादी करने वाला हूँ नहीं मैं नहीं होने दूंगा कैसे नहीं होने दोगे वो तुम्हारी लगती क्या है अगर साथ में बैठकर पीना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा और अगर शादी की बात कर रहे हो तो उसके बारे में मैं सोचूंगा क्या हुआ तुम्हें शादी करनी है क्या अरे बोल ना मैं शादी नहीं करूंगा अरे मैंने उसे कोई वादा थोड़ी ना किया है एक उल्लू के पट्ठे ने प्यार का झांसा देकर उसे बेवकूफ बना दिया और उस चिरकुट ने दूसरी भरी डाली देखकर उस पर छलांग लगा दी बेचारी लेकिन अब मेरे अलावा उसे कौन अपनाएगा बताओ तू अपनाएगा तो बोल हट जाता हूं अपनाएगा बोलते क्यों बंद हो गई बोलना ए उल्लू नशा उतर जाए तो आ जाना मैं यहीं मिलूंगा अरे मटो ना मुझे लगता है कि अब तेरा काम बन जाएगा तेरा दीवाना तेरे प्यार में इतना पागल हो गया कि कुत्ते की तरह घूमे जा रहा है पत्थर मारो तो भी नहीं देखता साला तुम उसे मिले हाँ ना एक बात तो कहना चाहूंगा मैंने उसे चार्जिंग पर लगा दिया अब वो ऐसा फूटेगा कि सीधे दरवाजे पर आकर टॉक टॉक खटखटाएगा और जब तुम दरवाजा खोलोगी वो भीगे कुत्ते की तरह सिसकता हुआ तुम हिलाता हुआ तुम्हारे कदमों में होगा और उस वक्त तुम अपने नरम हाथों से उसके दिल पर मलहम लगाओगी और फिर सिंगल से डबल फिर हम दोनों बगी में बैठकर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा वो सब करने से पहले मेरा नेकलेस इधर रख उसके बाद कुछ भी करना रूम नंबर 333 एक चाय वेटर वन टॉवेल प्लीज तो मैम ये कमरा तो समधी जी की दादी का है ना सर चाय
मैंने तो चाय का ऑर्डर नहीं दिया। चाय का ऑर्डर यहीं से मिला है सर। मेरी वाइफ ने दिया होगा, वो पास वाले कमरे में गई होगी। ओह, कोई बात नहीं सर, इसे आप भी पी सकते हैं। मुझे नहीं पीनी, एकदम गर्म दूध की है। ऐसी चाय आपकी बीबी ने भी कभी नहीं पिलाई होगी। अगर एक बार पीलेंगे सर तो बार बार पीने के लिए ही आएंगे। अच्छा चलो ले लीजिए सर, शुगर डालो। श्योर, इसे मुंह से पीजिएगा। मुंह से पिएंगे तो सर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये चाय है? ये चाय तो मैंने पी। निकल जाओ मेरे कमरे से। जवाब देने लगी है, जल्दी अपने रूम में पहुंचना होगा। बस के गिर न जाऊं। खुशबू, अरे पाशा, तू जमीन क्यों सूंघ रहा? अबे उठ, तूने क्या गटर छाप पी रखी है? मुफ्त की ज्यादा हो गई। मुफ्त की? तू क्या नहाएगा भी? अपना रूम नंबर बता। बोला जी जी जी। संभल के संभल के। अरे निकल गया क्या? सर, ओ आप यहाँ पर? एक फैमिली वेडिंग में आया हूँ। मगर तुम्हारा यहाँ कैसे आना? एक चेक बाउंस केस में आया हूँ सर। पता चला है कि वो यहीं एक शादी को अटेंड कर रहा है। क्या नाम है उसका? कोई मिस्टर राधेलाल, मगर अभी तक देखा नहीं उसे। राधेलाल? हाँ। कौन कहता है वो यहाँ नहीं है? वो तो कब से यहीं पर है। यहीं पर है? हाँ। कहाँ? अब रूम मैं अभी मालूम करके बताता हूँ, लेकिन उसको यहाँ से ले जाने से पहले तुम उसकी धुलाई करना। मेरे एक लौते संधि जी, मैंने आज तक जो भी वादा किया उसे पूरा किया है। मैंने लड़के को कार देने का जो वादा किया था उसकी चाबी शादी होते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। दो बार भाई जी आपने पैसे बढ़ाए थे, 10 लाख रुपए तो आपको मेरी बीवी को किस करने का जुर्माना देना है, और ठरकी के चाटे के 5 लाख अलग से। 117 मुझे याद है। मुझे पता चला है कि इन पर कई एक केस भी है। सब इंस्पेक्टर इनके बारे में कुछ पूछताछ भी कर रहे थे। उनसे कह दो बाकी पैसे हम बाद में लेंगे। भाई जी, पैसे अभी दे रहे हो? हाँ हाँ, आप अपने रूम में चलिए, मैं अभी लेके आता हूँ। अभी क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें पूरे पैसे नहीं है, अलमारी की चाबी बेटी के पास है, वो जैसे ही यहाँ आती है मैं पूरे पैसे आपको भिजवा देता हूँ। तो फिर मैं अपने कमरे में जाऊँ? हाँ हाँ, आप अपने कमरे में आराम से बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है जी। मिल गया वो कमीना, अभी उसके रूम में जाकर उसके हड्डियां तोड़ता हूँ मैं। आज वो बचेगा नहीं मुझसे। अब मैनू कौन बचाएगा? कहाँ है वो? ओ कौन जी? हमारा पति और कौन? एक पुलिस वाले को धोखा देने चला था, एक बार मिल जाए तो बच के नहीं जाएगा वो। पर वो तो यहाँ नहीं है। है नहीं, मगर आएगा तो यही ना। मैंने कहा ना कोई नहीं है। यहाँ देखता हूँ। यारे हरामखोर, यहाँ छुपा है। क्या हुआ सर, किसका पीछा कर रहे हैं? वही जिसके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस है, हरामखोर। वो तो उस तरफ भागा है। हाय, अबे तू! अरे भाई भाग ले, पुलिस पीछे पड़ी है। क्यों? थोड़ा थोड़ा गाड़ी लंबी है। अरे तो कमरे में घुस, कमरे में घुस। अरे ओके, कौन आया है? पकड़ो इसे, ये वही गेट है। खोल, खोल दरवाजा, खोल, पुलिस आई है, खोल नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। Yeah.
लिटे पे दो चढ़ा, पता नहीं आपको चौका मैंने कौन लाए ले। मैंने गुस्से में टॉम अंकल को क्या क्या नहीं कहा, वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। उन्होंने ही बताया था कि पुलिस राधेलाल की तलाश में है। ओहो, उसने मुझे मजबूर कर दिया था पैसे देने को। तुम ही तो लाई थे उस शैतान का रिश्ता अपनी बेटी के लिए। अब देख क्या रही हो, फौरन मेरा ब्रीफकेस लेके आओ, मुझे उसे पैसे देने जाना है। संधि जी कहाँ हैं? जी वो तो किसी काम से गए। वादे के मुताबिक इसमें पूरी रकम है, संभाल के रखिएगा, उनके आते ही उन्हें बता दीजिएगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन, सारा पैसा मेरे हाथ आ गया। अच्छा। भागने की तैयारी कर। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, चलो पहले ट्रेन से निकल जाते हैं। हाँ। ये शादी नहीं हुई तो तेरा बाप जेल में जाएगा, पुलिस सब जगह तैनात है। जब से लाल साड़ी को देखा है पागल हो गया है। ओफ, जब तक बीना यहाँ है मैं चैन से शादी नहीं कर सकता, किसी भी तरह से उसको यहाँ से भगाना ही होगा। अगर तुम्हें उसका रूम नंबर पता है तो एक काम करो, तुम वहाँ जाकर ये पता करो कि उसके दिल में क्या है, उससे बोलना कि हम उसकी शर्त मानने को तैयार हैं। वो तो 104 में है। कौन है? मैं हूँ फेलिक्स, तुमसे कुछ करनी है बात। तुम जो भी हो बाद में आना, मैं अभी नहा रही हूँ। दरवाजा बंद है लेकिन कान तो खुले है ना, तुम नहाती रहो मैं बोलता रहूंगा। उस दिन तुम्हें देखने के बाद मेरे तो सचमुच तोते उड़ गए। मैं जानता हूँ कि एक टाइम पे हम दोनों इश्क ज्यादे हुआ करते थे, मैं आज भी तुम्हें लाइक करता हूँ, मगर माल बटोरने के लिए मेरे पास इस शादी को करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्लीज मुझे माफ। बाहर आ कमीने, चल बाहर आ। वो अंकल, मुझे पता नहीं था कि तू ऐसा निकलेगा। शादी से पहले तो ये गुल खिला रहा है, तो शादी के बाद पता नहीं कितनी बगिया खिलाएगा। मेरी बेटी के साथ भी तू ऐसा ही करेगा? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे तू जानना चाहता है ना अपने बेटे की करतूत? इस कमरे में जो बाजारू औरत है ना, उसे देखे बिना तेरे बेटे को नींद नहीं आएगी। ऊपर वाले का शुक्र है कि इसे मैंने वक्त पर रंगे हाथों पकड़ लिया। जी आप इधर आओ, इधर आओ ना आप, मैं आपको सच बताता हूँ। क्या सच बताओगे तुम? सच तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है भाई जी, ये वो है वो। क्या वो? बचपन का प्रेम। इसके साथ? ओहो, तो इसके अंदर तुम्हारा भी हाथ है। अरे ऐसा बेटा तो ऐसे ही बाप से पैदा होगा ना। ओ प्राजी, पैसा मुँह पे मारो अपने आप चली जाएगी, तय तय करे। शर्म नहीं आती मनहूस कि तेरे बेटे का इश्क एक बाजारू औरत के साथ है? क्या हुआ प्यारे लाल, यहाँ क्या क्या गुल खिलाया जा रहा है? बहुत कुछ पता नहीं है और बदनामी करनी शुरू कर दिया आपने। जिस तरह की लड़की आप उसको समझ रहे हो वैसी लड़की नहीं है वो खानदानी है, खानदानी। उसके पिताजी बहुत बड़े वो हैं। वो बजाते हैं वो तो मैं समझ गया कि इस नाजायज लड़की का बाप एक नंबर का वो होगा वो। भाई जी आप गलत समझ रहे हो, मुझे गोल गोल लंबी होती है मुँह में लेके ऐसे बजाते हैं, क्या वो हारमोनियम है? क्या? अरे नहीं, क्या बोलते उसे? तबला। हाँ तबला, वो तो बड़ा होता है। भाई जी आप बताओ। अरे मुझे नहीं पता। वो आपको इतनी सी चीज का पता नहीं है? पापा मैं इस लड़की को नहीं जानता। पुत्र यहाँ किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि तू उसे जानता है। अब जब सब पता चल गया है तो उसे पैसे देकर रवाना कर यहाँ से। वो पैसे आप क्या बिग बॉस बन के खड़ी हो? ये मर्दों का मामला है, आपस में कर लेंगे। तुझे अपने रूम में जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको पता लगने दो। पापा मैं कसम खा रहा हूँ मैं उसे नहीं जानता। अब जानने को बचाई क्या है? बाप और बेटे का खाता इसी बैंक में खुला हुआ है। भाई जी जबान संभालो। मैंने खुद तुम्हें उसका दरवाजा थपथपाते हुए देखा है। जब मैंने पूछा कि इस कमरे में कौन है तो तुमने क्या कहा था? कि इसमें मेरी गोलमटोल वाली दादी है। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तू एक नंबर का मक्कार और धोखेबाज है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बहुत कमीना इंसान है, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। मेरी बीवी तुझे नहीं ना मिली इसलिए तू खुंडस निकाल रहा है। अभी बताता हूँ, तेरी माँ का लुटेरा है। आप लोग मेरी बात सुनेंगे? तुम दोनों अपनी गंदी जबान बंद रखो। अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो मेरी इकलौती बेटी है। कोई मेरी गलती है? तेरी नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। अब चाहे जो हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। भाई जी बातें फाइनल होने के बाद नहीं मुकरोगे आप? हमारी कोई इज्जत है? देख ली तेरी इज्जत, तुझसे बड़ा कमीना नहीं देखा। अब चाहे ऊपर वाला भी आ जाए तब भी ये शादी नहीं हो सकती। अगर इसका बाप मैं ही हूँ तो ये शादी होकर रहेगी। बंदूक है मेरे पास। अरे बंदूक हो या तो चेक कर तू क्या करेगा। नहीं दीजिए, हमारी बहुत इज्जत है। मैं दिखाता हूँ इज्जत को। प्लीज उसे इज्जत देखिए। मेरी बात सुनो, मैं दिखाता हूँ। पुलिस के आने के बाद कुछ फैसला होगा, आप मेरे साथ चलिए। हम उन्हें कैश और ज्वेलरी सब दे चुके हैं, इसलिए बात तो इनसे करनी पड़ेगी। ब्रिज के सामने वो सब मान जाएगा। चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ, ब्रिज के आने पर ही बात होगी। जा रहा हूँ मैं, पर मेरे दिल में आग लगी हुई है। अगर ये शादी नहीं ना हुई तो मैं एक एक को मारकर तीसरी मंजिल से कूद जाऊंगा। अगर कूदने पर भी मैं नहीं मरता हूँ तो ऐ मेरी तकदीर है। और सब पूरी तरह बर्बाद हो गया, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। कुत्ते,
ए, मेरे साथ तुमसे एक बात करनी है, आओ। तकदीर से तुम्हें वीना फिर से मिल गई, इसीलिए तो ये सारा ड्रामा हुआ है। तुम्हारा उसका रिश्ता क्या है? यही समझ लो कि हमारा उसका खानदानी रिश्ता है। उसकी फैमिली में कोई भी मुश्किल आती है तो मैं ही उसे सॉल्व करता हूँ, और उसकी सारी परेशानी मेरी परेशानी है। हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ मेरे से शादी करने को आ गई। अब बिना उसके बाप के प्रॉपर्टी के हम शादी के बाद या सड़क पर जिंदगी गुजारते? मगर वो शादी के बाद तुम्हारे साथ हर हाल में रहने को तैयार थी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बिना किसी सपोर्ट के उससे कौन शादी करेगा? मेरे पापा ने कह दिया कि लड़का बिकेगा तो 30 लाख में, वरना नहीं। और मेरे लिए मेरे बाप की बात मतलब पत्थर की लकीर। पैसे मिले तो शादी करूँ? इतना पैसा कहाँ से आएगा? 30 लाख रुपए ना, मैं दूंगा। तुम दोगे? अपनी बेटी की खुशी के लिए चाहे कैसा भी परिवार हो अपनी सारी खुशियाँ लुटा देता है। पैसा तो मैं मिल जाएगा। ऐसा है तो मेरे पापा को डील मंजूर हो? तो फिर वीना से मिलकर अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लो, और शादी से पहले पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। पर इस बात का उसे पता नहीं चलना चाहिए, वो कल आकर तुमसे मिलेगी। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी उसे पसंद तो करता हूँ, ऐसे मिल गए तो मेरा प्यार शालेमार। मगर पैसा खत्म हो जाने पर अपना प्यार कम मत करना। अगर ऐसा कभी हुआ तो उसे कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि मैं उसका दुख देख नहीं सकता। मैंने कहा था ना, भगवान मेरे साथ है। तो इसका मतलब अब जाने का वक्त आ गया? नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाओगी? क्या मैंने इसीलिए फिलिक्स से बात की थी? वो तो बहुत भोला है, इसीलिए अपने पिता की बातों में आ गया। मैंने तुम्हें फिलिक्स से मिलाने का काम कर दिया और हमारा एग्रीमेंट यहीं खत्म हो रहा है। नेकलेस का क्या होगा? मेरी फ्रेडी से बात हुई थी, अब्दुल्ला नाम के आदमी को उसने नेकलेस देने से मना कर दिया है, इसलिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम्हें तो पता है कि पुलिस नेकलेस की तलाश में है, इसलिए जहां मैं कहूंगा नेकलेस वहीं लेकर आना। कहां? ग्रीन पार्क में। अरे ये कहीं सीआईडी तो नहीं? आजकल भिखारियों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बेंच पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसने अपना चेहरा न्यूज़पेपर से ढका होगा। उसके पास जाकर तुम्हें टाइम पूछना होगा, वो जवाब देगा वही जो कल हुआ था। फिर तुम उससे पूछना कि आज क्या टाइम हुआ है, तब वो पूछेगा कि माला कहाँ है, और माला देते ही वो तुम्हें 45 लाख देगा। इतना पैसा देकर तुम डरना नहीं, चुपचाप वहाँ से कल्टी मार लेना, और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। इतना सा काम? सुनो, तुम जैसा कहोगे मैं वही करूँगी, आखिर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। कायको, मेरा टिकट खरीदने के लिए, मुझे अपने घर में रखने के लिए, गुस्सा करने के लिए, मारने के लिए, सुसाइड करने से रोकने के लिए, ऐसे करीब 1000 रीजन है तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। मैं सच कहूँ तुमसे दूर होना थोड़ा मुश्किल है। तुमसे ज्यादा दुख मुझे होगा, लेकिन ये तो होना ही है। किसी राह में कड़कड़ाती धूप में तुमने मेरे आशियाने में आकर छांव ली, और शाम होते ही ओके बाय थैंक्स ये सब कहकर निकल जाना चाहती हूँ, है ना? तालाबाजी कर ले रही, ये तुम सच बोल रहे थे या झूठ? ए, मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। ये सब कैसे? किसी का दोष नहीं है, सब तकदीर की बात है। जो चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो अब हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फिलिक्स, बिना सोचे समझे तुम्हारी तलाश में आके ये भी नहीं पता था कि तुम मिलोगे या नहीं। अगर तुम्हारा बाप पहले ही पैसे दे देता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, अब पैसे मिल जाएंगे, शादी हो जाएगी। पैसे? हाँ। कौन देगा? वो तुम्हारा कजन है ना गोपी, वो शादी से पहले मुझे पैसे देने वाला है। क्या हुआ? ये तुमसे गोपी ने कहा है क्या कि वो शादी से पहले तुम्हें पैसे देगा? हाँ, वो मुकर तो नहीं जाएगा, पापा की खोपड़ी खिसक जाएगी। कितना पैसा देगा? 30 लाख रुपए। कल मैं चर्च आऊंगा, जैसे ही वो पैसे पापा को देगा हम दोनों शादी कर लेंगे और अपनी लाइफ सेट। अब खुश? तुम्हारे दिमाग में क्या है, हैं? कुछ नहीं।
टाइम क्या हुआ है? मैं आज के टाइम की बात कर रही हूँ। लाओ माला दे दो। नहीं, पकड़ो उसे। लाओ मुझे दो। नहीं, मैं इसे नीचे फेंक दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अगर मेरे पास है तो मैं सच में फेंक दूंगी। देखो जिद मत करो। अगर ये नेकलेस तुम्हें मिल गया तो तुम गोपी को चोर साबित कर दोगे। इस नेकलेस को हासिल किए बिना भी मैं उसे चोर साबित कर सकता हूँ। ये नेकलेस जिसे वो बेचने वाला था वो मेरी कस्टडी में है। अगर उसने गोपी के खिलाफ गवाही दे दी तो वो सारी उम्र जेल में सड़ेगा। ये नेकलेस मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये दूसरे देश की प्रॉपर्टी है। अगर तुमने इसे नहीं लौटाया तो राजद्रोह के केस में वो जेल जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं सोच लेते कि आपने ना कुछ देखा ना सुना? इससे उसकी जिंदगी बच जाएगी। उसके मुझ पर बहुत एहसान है। आप अपने बेटे की जान बचाने का एहसान चुकाने के बहाने उसे बचा लीजिए। स्पेन की राजकुमारी के पास तो बहुत से ऐसे हार होंगे। उन्हें सिर्फ एक हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपके एक छोटे से झूठ से गोपी की जिंदगी सफर जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप उसे माफ कर दें। सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उस पर कोई केस नहीं बनाऊंगा। आप वादा करते हैं? आप उसे छोड़ देंगे? आप मुझ पर एक और एहसान करेंगे क्या? कैसा एहसान? इस वक्त वो गरीब इस उम्मीद में मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे बेचकर पैसे लाऊंगी। इस नेकलेस पर उसकी बहुत सी उम्मीदें टिकी हैं। मैं अगर उसके पास खाली हाथ जाऊंगी तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। मेरे पास एक डिमांड ड्राफ्ट है जिसे कैश करके मैं उसे पैसे दूंगी और कहूंगी कि ये नेकलेस की कीमत है। मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती सर, क्योंकि मेरा यहाँ किसी बैंक में अकाउंट नहीं है। क्या आप मेरा यहाँ किसी बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे? ड्राफ्ट के अमाउंट की रकम क्या है? 30 लाख रुपए। इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? मेरे पापा ने मुझे दिया था ताकि मैं घर बसाऊं, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। 30 लाख रुपए एक चोर को दोगी? जितना मैं जानती हूँ उसे, उससे कह सकती हूँ कि वो चोर नहीं है। वो तो लाखों में एक है। नसीब से ऐसे लोग मिलते हैं। नहीं, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। अभी से ही सारे रूम वैकेंट करवा दो। याद रहे, दोपहर के बाद से मैं किसी भी रूम का किराया नहीं देने वाला। अपने और होटल का सामान जल्दी पैक कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप चुड़ैल की तरह आसपास ही मंडरा रहा है। इससे पहले कि वो मुझे धोना शुरू करते मैं अपने आप को धो के आता हूँ। अरे जल्दी जाओ, क्या कर रही हो? Excuse me, not touching. I'm sorry. Your bag giring. Thanks. ये वही है, बॉस की बेटी के साथ जा रहा है। कौन है तू? पाशा। असली नाम? वीरप्पन। इसे क्यों मार रहा था? सुपारी मिली थी। तुझे मारने के लिए? तुझे मारने के लिए मुझे सुपारी मिली थी। किसने दी? यही तो हमारी पॉलिसी है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं निकालता हूँ तेरी दोनों पॉलिसी। मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। बोलो तो फोटो जरूर दिखा सकता हूँ। साले झूठ बोलता है। इसे मारने की सुपारी दी और साथ में फोटो भी दिया तूने। मैं क्या, इसके पास फोटो है तो क्या हुआ? फोटो तो आपकी मैं भी ले सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने आपको मारने की सुपारी दी है। अभी कोई इंसाफ है? बताओ बताओ, मेरे को इंसाफ चाहिए। तूने सिर्फ फोटो नहीं, पैसा भी दिया था। टाइम तो मुझे याद है, लेकिन इतना याद है कि इसने मुझे कहा था कि तुम मुझे माला दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब यही बात जाकर चर्च में कहना। ये कौन है? माला की बात इससे नहीं, मुझसे हुई थी। मैंने एडवांस भी दिया था। पता कहाँ है माला? अब बत्ती जली। अब मारने इसने भेजा था, मैंने नहीं। मारने? किसे मारने? अबे इधर, तूने ही पैसे दिए थे उसे और साथ में माला भी मांगी थी। हाँ, माला के लिए पैसे मैंने ही दिए थे, पर मुझे वो मिली ही नहीं। बोल, यही वो आदमी है क्या? मुझे कुछ नहीं पता।
उस वक्त मेरी आंखों को चश्मा गिर गया था, इसके लिए मैं उसको थोपड़ा देख नहीं पाया। सारा प्लान पाई जी का था, ये शादी रोकना चाहते थे। अरे अब ना तो शादी होने वाली है और ना होगी। जो पैसे मैंने तुझे दिए हैं वो चुप चाप लौटा। कौन सा पैसा, कैसे पैसा, तूने कोई पैसा दिया ही नहीं। अरे मैंने तेरी वाइफ को सूटकेस भर के पैसे दिए हैं, उससे कहो कि मेरे पैसे वापस लाए। तुम कोई खींच के महाराजी झूठ बोल रहा है। अबे अपनी वाइफ से जाके पूछना कि मैंने उसे पैसे दिए या नहीं। ओहो तो उस माल ने तुझसे भी माल लिया। मुझे तो लगता है कि ये उसका फैमिली बिजनेस होगा। मुझे फंसा कर स्मूटी ने मुझसे भी मोटी रकम ले ली। इनको तो मैंने देखा नहीं, इनकी कब हुई। ऊपर वाले इतनी गिरी हुई फैमिली में मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। अबे मेरे पैसे देता है कि नहीं। भाई जी आपकी कसम मैं नहीं समझा। सब तो मैं समझा दूंगा, पहले जाकर अपनी बीवी को यहाँ ला। मैं समझ गया हूँ ठरकी, तू उसे यहाँ क्यों बुला रहा है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तेरी स्त्री सामने आ जाएगी। कोई यहाँ से नहीं जाएगा, इसे पकड़ के रखना। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। कैसी सच्चाई, पहले आप उससे हमारा पैसा दिलवाइए, फिर उस कमीने को यहाँ से मारते हुए घसीटते हुए कुत्तों की तरह ले जाकर फेंक दीजिए। मगर सर अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि सुपारी उसी ने दी थी। अरे तुम्हारे पास उसके खिलाफ चेक बाउंसिंग का स्ट्रॉन्ग केस भी तो है। क्या वो वही आदमी है? मैंने कहा तो था यही वो कमीना राधेलाल है, जाओ पकड़ो उसे। उसे मार मार के कुत्ता बना दूंगा। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बॉस माला हमें मिल गई। मैं जैकी बोल रहा हूँ, हम पास वाले गोडाउन में हैं। होटल से बस राइट लेके सीधे आ जाओ, हम वहीं पर हैं। क्या गोडाउन में? माला कहाँ है? कौन माला, कैसी माला? तेरी माँ की माला। माला को माँ के साथ दफना दिया था। माला नहीं मिली तो यही गाड़ दूंगा। हाथ पैसे तू टेंशन मत ले, मेरी किलर लाइफ में आज तक ऐसा दिन नहीं आया। उसने कहता है वो पैसा दिया, ये मामू कहता है इसने पैसा दिया, उसकी माँ के साकी ना कर। माला नहीं मिली तो तेरी फोटो पे माला चढ़ जाएगी। मैं कमजोर आदमी हूँ, ऐसा कर तू जाकर उसके गले से माला लेके खुद पहन ले। तू क्या समझता है मैं अलीबाग से आया हूँ? मार मत, मार मत, तुझे माला चाहिए ना, अभी देता हूँ। पकड़ो इसे। मैं क्या पैसा कहाँ रखा है? पैसा तेरे बाप का है क्या? तो क्या तेरे बाप का है? तेरे बाप ने भी कभी मेहनत मजदूरी करके इतने पैसे कमाए हैं क्या? मैं जवाब टीवी से आ रहा था, पैर की टंकी कहीं कहाँ? और रुक जा भाई। अरे तुम्हारा असली पति भागो। वो देखो हो रहा, पकड़ो उसे। हमारी बेटी का किडनैप हो गया। ओह माय गॉड, ये जरूर उस राधेलाल का ही काम होगा। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी बैठो। चलो चलो। अरे साले भागे। अरे रुको रुको रुको, क्या पड़ा? वो पैसा लेके निकल गई, उसका पीछा करना है। अरे जल्दी अच्छा, अच्छा, पकड़ के बैठ। अच्छा, मणि माला का सौदा हो गया है, अब सब कुछ सुलझ जाएगा। यहाँ से नहीं भागे तो सब कुछ उलझ जाएगा। क्या मतलब? अभी बता दो। अरे ये देख मेरा सुन रही है, इससे तो मैंने पैसे एडवांस लिए थे। यही माला का बाप है? अरे इसी से तो मैंने माला का सौदा किया था। मुझे अकेले को मारने इतने थके। तुम यहाँ हो लेकिन तुम्हारा तो किडनैप हुआ था ना। ऊपर आ जा, हम फर्स्ट क्लास में चलेंगे। लगता है हम गलत रास्ते आ गए। तुम गलत कह रही हो, पहले तुम्हें यही सही लगता था। थोड़ा होली पे खेलने वाली पिचकारी नहीं है, असली गन है। देखो अबे छोला, रुक पाला, किधर जा रहा है? कौन आ रहा है? अबे मिल गई, अबे रख दे, अल्लाह निकाल 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 निकाल। आओ अरे मेरे टंगली तो आप तोड़ दो। बेटी कहाँ हो तुम? अरे कोई संभालो, घोड़े की जगह घोड़ा निकाला।
छपी जाएगी। टेढ़ा है जिसका बाल वही है असली राधे लाल। मैंने पैसा चाहिए, सबको मिलकर शादी करवानी पड़ेगी। को किसने देखा? मिले तो कहना मैं यहीं लेटता हूँ। बेटी कमी है। तेरा तेज कब चली हुआ? भेजना ही नहीं चाहिए था। साला उस फ्रेडी का भी फोन नहीं लग रहा है। उसे 45 की जगह 35 ही भेजे। अब बताओ 10 कहाँ गए? अरे शुक्र मनाओ कि कम से कम इतना तो मिला। अब बात में दम है, लालच कहना बुरी बात है। ये बताओ तुम्हारा क्या हुआ? हा? कुछ नहीं हुआ। होना क्या था, मैं मिली, बातचीत की और सब फिक्स हो गया। शादी फाइनल हो गई। कल सुबह चर्च में फिलिक्स अपने डैड के साथ आएगा मुझसे शादी करने के लिए। अच्छा बताओ अब हम दोनों कब मिल पाएंगे? पता नहीं तुम कहाँ होगी। मैं तो गांव चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जब भी दिल करे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चली आना। गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू। अरे एसपी साहब क्या सरप्राइज है, कैसे हैं आप? ओ, तुम? अच्छा हुआ आज आपसे मिल गया, वरना शायद आपसे मिल ही नहीं पाता। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आपको लगा होगा कि मैं मरने जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं गलत काम छोड़ चुका हूँ। पर अब क्या करोगे? वो क्या है ना कि जिंदगी भर गलत काम किया ना, अब मैं थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा सुकून चाहता हूँ। शाबाश, अब तो तुम्हारे पास इतना सारा माल भी है, क्यों ठीक कहा ना? तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। ये बता सकते हो कि इस नेकलेस की कीमत क्या है? भगवान का शुक्र मनाओ कि उस लड़की ने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया। उसी ने हाथ जोड़कर मुझे कहा था कि मैं तुम पर कोई केस न बनाऊं। अब शादी हो गई क्या? सब कुछ हो गया। हेलो, मेरा दहेज लाए हो ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पैसे मेरी शादी के लिए रखे थे? फिलिक्स कहाँ है? वो नहीं आएगा, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों मना किया? तुम मेरे लिए अपनी कमाई से वो प्यार खरीद रहे थे जो मेरा था ही नहीं।
तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो कि तुम मेरे लिए अपनी जरूरतों को भी भूल गए। जिस पैसे से तुम्हारी जिंदगी सुधर सकती है उससे मेरी जिंदगी सवारने चले थे। थैंक्स अगेन, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे भूल नहीं सकती। अब मैं चलती हूँ। रुको ना, आज मैं तुमसे लाइफ में पहली बार सच बोलना चाहता हूँ। बोलो। याद है मैंने तुम्हें एक सपने के बारे में बताया था कि मैं पैसा कमाऊंगा ताकि मैं जमीन छुड़वाऊं और किसी अच्छी लड़की से शादी करूं। ऐश्वर्या राय जैसी लड़की। हाँ हाँ वही वही। और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ऐश्वर्या राय तुम ही हो। क्या हुआ, गलती हो गई क्या? तुम सच कह रहे हो? Promise.